नहीं कल रात को। भला ये भी कोई समय डराने का? थक। छोड़ के कहीं ना जाएगी। थक। अरे उनकी किताब पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ। आप पारसी नहीं है? आप पारसी नहीं है? आप दादा भाई नौरू जी के बेटे? मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? क्या फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन ते गल कर दे, शर्म नहीं आंदी तुहानू? हेलो, पैसे पार देना पाजी। फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्नू भी फड़ लैंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है संध्या गोखले ने, और इस फिल्म की कहानी लिखी है विजय दान देत्था और संध्या गोखले और अमोल पालेकर जी ने। ये मूवी आधारित है विजय दान देत्था द्वारा। इसे अभिनीत किया है शाहरुख खान, रानी मुखर्जी जी ने। वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक जी। और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्र ने, और इस फिल्म में सारांश दिया है अमिताभ शुक्ला ने, स्टीवन एच वनार्ड ने। इस फिल्म में संगीत स्कोर दिया है MMA कीरावानी, और स्कोर है आदेश श्रीवास्तव जी का। उत्पादन कंपनी है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म को उत्पादित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 जून सन 2005 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 140 मिलियन का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 320 मिलियन का। तो नवे रीजन का उद्घाटन हरारे के लिबर्टी सिनेमा कॉम्प्लेक्स जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। इसमें डांस फिल्म फेस्टिवल और फ्रांस स्पिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोनों को भी चित्रित किया गया था। फिल्म का कार्यकारी शीर्षक घोष्ट का फ्रेंड अनुवादित है। फ्रेंड ऑफ ए घोष्ट था जो पहली सन 1979 के अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्राथमिकता थी। रीजन 24 जून 2005 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यावसायिक सफलता हासिल हुई थी, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की और इसे आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली, और इसे मिलीजुली रिव्यू द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफर, ड्रेस और विशेष सामानों की प्रशंसा की गई थी। हालांकि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट की आलोचना भी मिली थी। तो 91 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पहली को 2 नामांकित प्राप्त हुए थे। सर्वश्रेष्ठ गीतकार दारा जलना के लिए गुलजार जी को, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका दारा जलना के लिए सोनू निगम जी को। 53वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से फिल्म सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता था सेरा घोषाल दारा जलान के लिए। तो फिल्म की कहानी को 2 कठपुतलियों द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक साथ शामिल हैं और अपनी आवाज़ दी है। एक युवा राजस्थानी ग्रामीण लड़की लच्छी यानी कि रानी मुखर्जी की शादी दूर के गांव के अमीर व्यापारी भंवरलाल यानी कि अनुपम खेर के बेटे किशन यानी कि शाहरुख खान से होती है, जो अपने घर से तीर्थयात्रा समय पार्टी एक धर्मशाला आध्यात्मिक आवास में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहाँ वह एक भूत लच्छी को देखती हैं और उसे प्यार किया जाता है। उस रात बाद में यह पता चलता है कि किशन, जो एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है, एक पूर्व निर्धारित शुभ तिथि पर एक नई दूर का व्यवसाय शुरू करने की अपने पिता की इच्छा का सम्मान जो अगले दिन होता है। किशन अपना बही खाता पूरा करने के लिए रात में अपनी पत्नी से दूर हो जाता है, और सुबह सुबह एक व्यवसायिक यात्रा जो 5 साल तक चलती है। लच्छी टिकाऊ हो गई और गजोरबो बाई यानी कि जूही चावला, उनकी पत्नी की मौसी, उन्हें सुंदरलाल कहते हैं। इस आधार पर सहानुभूति व्यक्त की, और गजरो बाई के पति सुंदरलाल यानी कि सुनील शेट्टी भी खो गए हैं। अगले दिन भूत भंवरलाल के घर प्रकट होता है, जो लक्ष्मी के प्रति अपनी शिकायत के कारण किशन का रूप और आवाज़ देता है। तो घर में सबके सामने किशन का नाटक करने के बावजूद भूत रात में लच्छी को होने वाली अपनी असली पहचान है। इस प्रकार लच्छी को भूत के रूप में अपनी सभी आपत्तियों के बीच एक शैतान का सामना करना पड़ता है, जो उसके व्यवसायिक पति के रूप में लिया गया था। ये किशन के इस
नए उचक्के मैजिक सामाजिक लग्जरी संस्करण को अपना मालिक है। किशन के रूप में भूत असली किशन के परिवार के सभी लोगों से दोस्ती करते हैं और भंवरलाल को जादुई संभावित आभूषण सोने के सिक्के खुश होकर प्रस्ताव रखते हैं। उसका एकमात्र दूत भोज यानी कि राजपाल यादव के साथ व्यवहार करना है, जो इस विचार से हैरान है कि किशन ने एक पत्र भेजा है जिसमें व्यवसायिक यात्रा से केवल अपने घर में इसे प्राप्त करने के लिए जब जो किशन के रूप में प्रकट होता है उसे अपना एक गिलास पानी नहीं देता तो वो नाराज हो जाता है। लच्छी और भूत 4 साल तक एक साथ आनंद और निर्भय रहे। इस दौरान वो अपने मुस्लिम लोगों से भी खुशी रही और परिवार और गांव की समस्याओं का समाधान किया। फिर लच्छी भूत के बच्चे से गर्भवती हो जाती है और असली किशन यह देखने के लिए लौटता है कि क्या उसकी पत्नी गर्भावस्था के बारे में अफवाहें सच हैं या गलत। वो भूत को अपने किशन के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए उसी समय लौटती है जब लच्छी प्रारंभिक होती है। प्रसव पीड़ा में और एक बेटी लूनिमा का जन्म हुआ। किशन का परिवार ये निर्धारित करने में असमर्थ है कि हम शक्लों से कौन असली किशन। भूत विचारधारा करने से इनकार कर रहा है। उन्होंने राजा से मिलने का फैसला किया ताकि वह बोल सके। इस बीच सुंदरलाल भी घर लौटता है और गजरोबाई से लंबे समय तक अचानक गायब होने के लिए माफ़ी मांगता है और अपने परिवार से मिल जाता है। किंग के रास्ते में किशन का परिवार एक स्कूल चरवाहे गडरिया यानी कि अमिताभ बच्चन के सामने से जो असली किशन के 3 परीक्षण उनकी मदद करता है। वह सबसे कहता है कि जो गर्म है को भंवरलाल का असली बेटा साबित करना चाहता है। जो समय पर अपनी कर सकता है भेड़ों को इकट्ठा होकर वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित कर सकता है और जो उसका है पानी की बोतल में प्रवेश कर सकता है वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित करेगा। खुद को दुल्हन का असली प्रेमी साबित करना चाहते हैं। किशन पहले 2 प्रदर्शनों को करने की पूरी कोशिश करता है जिसे भूत देखने की जहमत भी नहीं मिलती। जब गडरिया ने कहा कि दुल्हन का असली प्रेमी तो भूत 3रा असंभव कर्तव्य करता है और लच्छी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए पानी की बोतल में प्रवेश करता है। इस प्रकार असली किशन का पता चलता है और गडरिया जल्दी से अपनी बोतल बंद कर देता है ताकि भूत शामिल हो सके। इस रहस्योद्घाटन के बाद असली किशन बोतल को रेगिस्तान के बीचों बीच में खाना दिया जाता है और सभी लोग घर लौट जाते हैं। लच्छी भूत की मौत से टूट जाती है। अंत में यह पता चलता है कि भूत की बोतल से भाग गया है और अब उसके साथ किशन के शरीर पर रहना है, कब्जा कर लिया है। जबकि लच्छी अपने पति के सामने यह स्वीकार करने की कोशिश करती है कि भूत ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया है। भूत लच्छी को वो नाम की याद दिलाकर उनकी पहचान सामने आती है जो वो मूल रूप से अपनी बेटी को देने जा रहे थे। इस प्रकार लच्छी अपने असली पति और अपने भूत प्रेमी दोनों के साथ एक ही शरीर में खुशी से बनी रहती है। कठपुतलियाँ यह कहते हुए कहा जाता है कि यह एक बहुत पुरानी कहानी है जो लोक कथा है। तो फिर आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में तो किशन लाल प्रेम भूत के रूप में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में हैं, रानी मुखर्जी के रूप में लच्छी जी हैं, किशन के पिता भवन लाल के रूप में अनुपम खेर हैं, कमली के रूप में आदित्य गोवित्र कर हैं और भोजा के रूप में राजपाल यादव हैं, भवन लाल के भाई कंवर लाल दिलीप प्रभाकर के रूप में हैं, सरवरी जामिनिस किशन लाल की बहन राखमा के रूप में हैं, किशन की चचेरी बहन अनुसुईया के रूप में पलक जैन हैं जो बाल कलाकार के रूप में हैं, जीवराज के रूप में ए के हंगल हैं और पुरुष कठपुतली के रूप में नसरुद्दीन शाह हैं, महिला कठपुतली के रूप में रत्ना पाठक शाह हैं, गडरिया के रूप में अमिताभ बच्चन हैं और गजरोबाई के रूप में जूही चावला हैं, किशन के भाई सुंदरलाल के रूप में सुनील अरोड़ा हैं, भूत के रूप में स्टूडियो शेखर हैं। सन 2004 में पलेकर सुनवाई के लिए शाहरुख खान के साथ गए हैं। स्क्रिप्ट सुनाने के बाद शाहरुख खान ने पलेकर से पूछा कि वो इसका निर्माण क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अभिनय भी कर सकते हैं। शाहरुख खान के अनुसार रिडल एक वुमेन लिबरेशन फिल्म है जो विवाह के उद्देश्य के रूप में निरूपित होती है और प्रश्न करती है कि एक महिला को केवल विवाह के कारण किसी पुरुष के साथ रहना चाहिए, प्रेम के कारण नहीं। रिडल की पूरी शूटिंग 45 दिन की अवधि में राजस्थान झुंझुनू जिले में की गई थी। रेगिस्तान में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का एक दृश्य मुंबई में एक हेलीपैड पर फिल्माया गया था। टोडरा सिंह ने हड़ी रानी कुंड का एक दृश्य
अक्षर चांद बावड़ी के साथ मिसयूज में फिल्माया गया था। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो 79वीं अकादमी पुरस्कार पहली भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है और कहा कि कुल मिलाकर रिजल हाल के दिनों में बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस तरह की फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि हमें बाहरी लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। हॉलीवुड पढ़ें, जब भारतीय सत्य इतना समृद्ध है कि हमें मनोरम कहानियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो redfi.com से राजा सेन ये भी किताबी एक कथा और कहानी है, जिसमें सबसे पहली बात यह है बहुत लंबे समय से अच्छी दिखने वाली भारतीय फिल्म है और अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से शामिल है। तो पलेरकर ने एक नए मनोरम परिकथा तैयार की जो आकर्षक रूप से अच्छी है और रवि के अनुभव और उसी से यह फिल्म का बहुत ही प्रारंभिक दृश्य जो स्पष्ट है मछली की पट्टिका में हमें स्वीकार कर देती है और इसे redfi.com ने 2005 की 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया है और तीसरा स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो रिडल ने अपने उद्घाटन के दौरान 90% आरकूपेसी का आकलन किया था। फिल्म की भारत में कुल कमाई 187.5 मिलियन, US 2.3 मिलियन और विदेशी बाजारों में अतिरिक्त US 3.63 मिलियन है। इस भारत में औसत लेकिन विदेश में हिट करार दिया गया है। ये आपके वितरकों के लिए एक सुरक्षित और मूल्यवान उद्यम साबित हुआ है। इस फिल्म का साउंडट्रैक गुलजार के सुर के साथ MM की रामानी द्वारा रचित एवं निर्मित किया गया है। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को जारी किया गया था। गाना दारा जलना ओकारू 2003 के नदीरा ढिन्ना पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दारा जलना, इसे गाया है सोनू निगम श्रेया घोषाल जी ने। नंबर 2 कंगना रे, इसे श्रेया घोषाल और मधु श्री बेला और सेंडे कलापिनी ने गाया है। कोमाली स्तूप निगम ने गाया है। नंबर 3 खाली है, इसे हरिहरन बेला सेंडे ने गाया है। नंबर 4 लगा रे जल्ला लगा, इसे गाया है डेरी किरावनी और सप्लायर कॉपरेशन श्रुति संडोलीकर ने। नंबर 5 मंत्रालय करे, इसे गाया है श्रेया घोषाल मधुश्री बेला सेंडे ने। नंबर 6 फिर रात बिल्ली, इसे सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 7 फिर रात बिल्ली रिमिक्स, इसे सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 8 दारा जलना वादे, इसे गाया है सुनिधि चौहान सुखमित्र सिंह ने। संगीत लेवल टी सीरीज का है। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो हिंदी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म बियर फूल 1996 से अपनी स्क्रीन की शुरुआत की और उनकी पहली प्रमुख भूमिका सन 1996 के सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में एक बाल कलाकार के रूप में अपने रोल को निभाया था। सन 1998 में उन्हें एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ उनकी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली थी और रोमांटिक ड्रामा कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान के रोमांटिक किरदार के रूप में उन्हें सफलता मिली और बाद वाले ने रानी मुखर्जी को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में। इसके बाद उन्होंने हेलो ब्रदर सन 1999 और नायक द रियल हीरो 2001 और सहित कई फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई है जिनमें से किसी ने भी उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद नहीं की। तो रानी मुखर्जी के करियर की संभावनाएं 2002 में बेहतर हुई जब उन्होंने यशराज फिल्म की साथिया में अभिनय किया था जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया था। सन 2004 की रोमांटिक कॉमेडी हम तुम और मिश्रित ड्रामा युवा में अपनी भूमिकाओं के लिए रानी मुखर्जी एक ही वर्ष में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई थी। इसके अलावा उस वर्ष उन्होंने वीर जारा में अभिनय किया जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2005 में उन्हें नाटक ब्लैक में एक अंधी बहरी और गूंगी महिला का किरदार निभाने के लिए प्रशंसाएं मिली थी और अपराध कॉमेडी फिल्म बंटी और बबली में एक ठग महिला की भूमिका निभाई थी। ब्लैक में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष
उन्होंने नाटक कभी अलविदा ना कहना में एक नाखुश विवाहित महिला की भूमिका निभाई, जो उस समय विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। आर्थिक रूप से सफल नाटक ताराराम पम पम 2007 में एक प्रमुख भूमिका के साथ रानी मुखर्जी ने अगले दो वर्षों तक मुख्य रूप से यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्मों में अभिनय किया था। इसी में किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके बाद वो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो डांस प्रीमियम लीग 2009 में टैलेंट जज के रूप में नजर आई थी और 2011 की थ्रिलर नो वन किल्ड जोशिका में एक जिद्दी टेलीविजन रिपोर्टर की भूमिका ने उन्हें फिल्म फेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की ट्रॉफी दिलाई थी। और ये फिल्म चार वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली सफलता साबित हुई थी। और 2012 में उन्होंने अलौकिक थ्रिलर तलाश में द आंसर लाइज विद इन में एक दुखी माँ की भूमिका निभाई थी और सन 2014 में वो क्राइम थ्रिलर मर्दानी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई दी थी। चार साल के अंतराल के बाद रानी मुखर्जी ने हिचकी 2018 में टैरेंट सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्मों में से शुमार है। उन्होंने अगली कड़ी मर्दांगनी 2019 में अपनी भूमिका दोहराई, जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। सन 2023 में उन्होंने एक ऐसी महिला के वास्तविक जीवन के चरित्र के रूप में अभिनय किया था, जिससे उनके बच्चों को ले जाया गया था। मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे नाटक में नार्वेजियन बाल कल्याण सेवाएं, जो एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी थीं। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ साथ जूही चावला ने भी अपने रोल को बखूबी प्ले किया था। तो जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली और तमिल और मलयालम फिल्मों के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करती हैं। मिस इंडिया 1984 पेजेंट की विजेता रही हैं। उन्होंने सन 1986 में एक संतलत से अभिनय की शुरुआत की और उनकी पहली व्यावसायिक सफलता ब्लैक बॉस्टर कन्नड़ फिल्म प्रेम लोग सन 1987 में थी। उन्होंने लक्स यू न्यू फेम ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता कयामत से कयामत तक के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित प्रदान किया था। सन 1988 में जिसने उन्हें रातों रात स्टार के रूप में स्थापित कर दिया था वो अमर प्रेम सन 1989, बिक्की दादा सन 1989, लव 1989, प्रतिबंध 1990, स्वर्ग 1990, बेनाम बादशाह 1991 में, बोल राधा बोल सन 1992 में जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पाई है और राजू बन गया जेंटलमैन सन 1992 और उनमें से अधिकांश सफल साबित हुई हैं। सन 1993 तक हम हैं राही प्यार के सन 1993 में अभिनय करके वो बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बन गई थी, जिसने उन्हें एक हास्य अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। लुटेरे सन 1993 जिसने उन्हें उनके सौंदर्य और मानकों को स्थापित किया था और पारिवारिक नाटक आईना सन 1993 और डर सन 1993 जिसने उनकी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित किया और ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी और जूही चावला के अभिनय करियर को बॉलीवुड में स्थापित किया था। उन्होंने अंदाज 1994 और साजन का घर 1994 में, राम जानी 1995 में, नाजायज 1995 में, लोफर 1996 में, दीवाना मस्ताना 1997 में, यस बॉस सहित कई फिल्मों में अभिनय करके अपना स्टारडम जारी रखा और सन 1997 में इश्क, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में डुप्लीकेट, 1998 में और अर्जुन पंडित 1999 में, और उनमें से अधिकांश आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी। उन्हें कयामत से कयामत तक सन 1988 में, स्वर्ग 1990 में, बोल राधा बोल 1992 में, आईना में उनके काम के लिए प्रशंसाएं मिली थी और 1993 में लुटेरे, 1993 में डर, 1993 में हम हैं राही प्यार के, 1993 में राम जाने और 1995 में दरार, 1996 में यस बॉस, 1997 में इश्क और 1997 में दीवाना मस्ताना, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में सात रंग के सपने, 1998 में अर्जुन पंडित, 1999 में इनकार बीट्स, 2003 में तीन दीवारें, 2003 में साढ़े सात फेरे, 2005 में माय ब्रदर निखिल, 2005 में बस एक पाल, 2006 में स्वामी, 2007 और आई एम, 2011 और भूतनाथ, 2008 में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसाएं मिली थी, जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। 2008 में उनकी एक और रिलीज कॉमेडी ड्रामा क्रेजी 4 2008 थी, जो मध्यम सफलता थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रशंसाएं मिली और सन 1999 में जूही चावला ने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ सहयोग किया और उनके साथ अपनी खुद की
प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम ड्रीम अनलिमिटेड रखा गया था। उनका पहला प्रोडक्शन वेंचर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 था, जो साल की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही। इसके बाद अशोका 2001 आई, जो भी व्यावसायिक विफलता थी यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। एक झटके के लिए जिम्मेदार ठहराया ड्रीम अनलिमिटेड द्वारा निर्मित आखिरी पिक्चर फिल्म चलते चलते 2003 भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इसके बाद श्रमिकों के बीच संघर्ष के कारण वे अलग हो गए थे। जूही चावला ने सन 1980 के दशक के अंत में 2000 के दशक की शुरुआत तक बॉलीवुड की सबसे सफल और अग्रणी महिला सितारों में से एक थी और उन्होंने फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई प्रशंसाएँ हासिल की हैं और एक हास्य अभिनेत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आलोचकों ने विशेष रूप से उनकी हास्य क्षमता और उनकी टाइमिंग की सराहना की है। उनकी कई फिल्में जिनमें उन्होंने मजेदार भूमिकाएं निभाई और सफल रही थी, हम हैं राही प्यार के सन 1993 में, लोफर 1996 में और इश्क 1997 में। उदाहरण के लिए कुछ नाम 2000 के दशक की परिस्थितियों को चिन्हित करने के लिए यथार्थवादी तरीकों से जूही चावला ने आर्ट हाउस फिल्मों में रुचि विकसित करना शुरू कर दिया था और उन्हें लगा कि कलाकार के रूप में चुनौतीपूर्ण थी। इस दौरान मुख्यधारा की फिल्मों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी। इसके लिए उन्होंने झनकार विट्स 2003, तीन दीवारें 2003, माय ब्रदर निखिल 2005 और सात फेरे 2005, बस एक पल जैसी कई गौर व्यावसायिक फिल्मों की 2006 में, स्वामी 2007 और आई एम 2011, इन सभी से उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और एक अभिनेत्री के रूप में उन्हें संतुष्ट महसूस हुआ था। ये कहानी 2005 में पहली फिल्म के रूप में अमोल पालेकर द्वारा फिल्माई गई, जिसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थी। एक मानवीय दुर्दशा को इतनी दृढ़ता से चित्रित किया गया था कि हम अपने पढ़ने की धीमा कर देते हैं, स्थिति की जटिलता का स्वाद लेना चाहते हैं। इस कहानी में एक महिला की दुविधा का वर्णन किया गया है, जिसमें वो खुद को असाधारण प्यार को अस्वीकार करने की स्थिति में आ जाती हैं और साथ ही साथ एक व्यावसायिक मानसिकता को भी दर्शाती हैं। तो द डिप्लोमा में भूत को पता चलता है कि वो इतनी कठिन स्थिति में हैं कि उन्हें सत्य और असत्य के बीच की बारीक धारा पर उतनी ही कुशलता से चलना है जितना कि स्वयं बुद्धिमान युधिष्ठिर को चलना पड़ा था। इस कहानी में हर किरदार अपनी एक दुविधा से जूझ रहा है, चाहे वो दुल्हन हो, भूत हो या व्यापारी, पति हो या भूत की मनमन गति या की दिशा को। एक भूत होकर भी उसे बनो एक मनुष्य से प्यार हो जाता है और वो उसे हासिल करना चाहता है। एक दुल्हन जिसे अपने पति से प्रेम करना चाहिए पर उस भूत से प्यार कर बैठती है जो कभी उसे हासिल हो ही नहीं सकता, और एक पति जो जिसके प्यार करने के लिए उसे ही छोड़कर जाना पड़ता है और जब उसे पाना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो किसी और से प्यार करने लगती है। तो कहानी शुरू होती है एक नवविवाहित जोड़ी जो दुल्हन विदा करा के अपने गांव लौट रहा होता है। एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं जहां एक भूत रहता है। भूत लड़की की सुंदरता से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे उससे प्यार हो जाता है। अजीब बात यह है कि पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ ऐसा अनुभव करा रहा हो, अपने समुदाय की व्यावसायिक मानसिकता में इंसाफ इतना। पहली फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर और राइटर अमोल पालेकर ने हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान दिया है। अमोल पालेकर के निर्देशन में बनी पहली भारत की तरफ से 19वें ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री थी। इस फिल्म को देश में दर्शकों ने तो खुद कुछ खास पसंद नहीं किया था, लेकिन इस क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कहानी से लेकर अभिनय तक सब कुछ जमकर तारीफ की थी। हाल ही में अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में अपनी इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प खुलासे किए हैं। हैडली लेमर की समीक्षा में भूत प्रेत ऊंट दौड़ जीवंत और अक्सर टकराने वाले रंग दिव्य संगीत मासूमियत और प्यार के साथ बहुत पहले के समय की एक परी कथा है। ऐसा क्या पसंद नहीं था, रानी एक युवा महसूस करती है कि मैं एक दुल्हन हूँ, जो मैं मासूम हूँ, मेरा नाम लच्छी है, जिसकी शादी हो जाती है और वो अपने नए घर की यात्रा पर निकल पड़ती है। शाहरुख खान एक आज्ञाकारी दूल्हा है, किसे ने अपने प्रेम के प्रति जुनूनी है, जिसे शादी के तुरंत बाद व्यवसाय के लिए दूर
शहर जाना पड़ता है। भूत एक पक्षी, एक गिलहरी, एक प्रेत है जिसे दुल्हन से प्यार हो जाता है और अंततः उसके जाने पर दूल्हे का रूप धारण कर लेता है। नई दुल्हन और दूल्हे के साथ तब तक सब ठीक है जब वो असली लड़के को अपनी दुल्हन याद नहीं आती। जब याद आती है तो वो अपने घर आने का फैसला कर लेता है। भ्रम की स्थिति बनी रहती है और असली किसान कौन है, इस पहेली को एक चरवाहे द्वारा सुलझाया जाता है। अमिताभ बच्चन ने स्पष्ट रूप से शीर्षक अभिनय वाली कैमियों में अच्छी रानी दिव्या है जो चतुराई से उसके हल्के हाथ से दिखाती है और भूमिका वो अपार परंपरागत विकल्प चुनती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता को पहली ज़्यादा पसंद नहीं आई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। आधी रात जब चांद ढले अद्भुत प्रदर्शन किया। शाहरुख खान दो गुना और दोनों रूपों से अच्छा प्रदर्शन। किसी को आश्चर्य होता है कि अगर हम अपनी 5 इंद्रियों को हल्के में ले लें और लंबे समय तक उनका बिल्कुल भी अनुभव ना करना चाहें तो कैसा होगा। शाहरुख खान को एक भूत के रूप में देखे, एक माँ के पहले स्पर्श से उसके चेहरे पर आश्चर्य सुंदर और घर को देखना, बच्चों भाई बहन भतीजे के साथ खेलने में खुशी, यह जानने के लिए किसके रूप में शाहरुख खान को अंततः एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा है। यह तब तक सबसे कम दुख है जब पोशाकें अद्भुत हैं। देवदास में वेशभूषा पर बहुत कुछ बनाया गया है लेकिन ये प्रामाणिक राजस्थान है जो सबसे अच्छे और सबसे संगीन रूप से आभूषण किसी भी महिला को मदहोश कर देते हैं। संगीत द्रव्य आधी रात धीरे जलना उत्कृष्ट संख्याएं मेरी राय में बुरा भला बहुत कम हो सकता है। जब मैं उन्हें अब पानी मिले तो नृत्य बंद कर दिया लेकिन फिर भी फिल्म बहुत छोटी थी। ऊंट दौड़ थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन अगर आप परिकथा शैली को ध्यान में रखते तो शायद ठीक है। तार्किक खामियां, चलो आखिरकार यह एक परिकथा है जैसे भूत प्रेत और परियों में कोई तर्क होता है। कहानी के साथ साथ अपने बचपन में वापस चला गया, रंगों और संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया, भूत किसान और रच्ची के चित्रण का बहुत आनंद लिया। अनुपम खेर एक लालची पिता की भूमिका में अच्छे लगे और निश्चित रूप से वो शानदार जूही चावला थी। मैंने उसे दुखी चाची के रूप में एक कैमियो के रूप में कभी नहीं देखा था। कुछ शब्द कहे गए थे, उसने यह सब अपनी आंखों के सामने किया। कृपया वापस आ जाओ जूही, हम तुम्हें याद करते हैं। तो पहली एक प्रेम कहानी के रूप में छिपी महिला अधिकारों के विशेष एक असामान्य फिल्म है जो यह मूल रूप से एक युवा महिला लच्छी यानी कि रानी मुखर्जा की कहानी है जिसे उसके पति किशन यानी कि शाहरुख खान ने शादी के अगले दिन छोड़ दिया और एक आत्मा जिसे लच्छी से प्यार हो जाता है। जब वो घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति 5 साल के लिए दूर रहेगा और इसीलिए वो किशन का रूप धारण कर लेती है और अगले 4 वर्षों तक लच्छी के साथ रहती है। आखिरकार निश्चित रूप से पति लौट आता है। देथा द्वारा राजस्थानी में लिखी गई लघु कहानी पर आधारित फिल्म है। इसमें यह भी बताया गया है कि वो आंशिक रूप से सन 1997 की कन्नड़ फिल्म नागमंडल से प्रेरित है जो की ब्रेग कनाड के इसी नाम के नाटक पर आधारित फिल्म थी। तो अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित और जूही रायसा, अजीत मिर्जा, संजीव रायसा और शाहरुख खान द्वारा निर्मित यह फिल्म एक पत्नी यानी कि रानी रागिनी मुखर्जी की कहानी बताती है कि मेरा पति यानी कि शाहरुख खान एक व्यावसायिक यात्रा पर जाता है और उसके पति के भेष में से एक जिन्न मुलाकात होती है जो प्यार करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके पति का स्थान देथा की कहानी है जो पहले सन 1973 में मणिकौल की फिल्म में रूपांतरित हुई थी। मूल रूप से स्लो कथा है और पहली फ्लैट है और इसकी मुख्य महिला चरित्र अधिक नारीवाद एजेंसी की और से अपनी स्रोत सामग्री और पहले के रूपांतरों में से अलग जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमोल पालेकर जी ने और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है संध्या गोखले ने और इस फिल्म की कहानी लिखी है विजयदान देथा और संध्या गोखले और अमोल पालेकर जी ने। ये मूवी आधारित है विजयदान देथा द्वारा। इसे अभिनीत किया है शाहरुख खान, रानी मुखर्जी जी ने। वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक जी और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्र ने और इस फिल्म में सारांश दिया है अमिताभ शुक्ला ने, स्टीवन एच वनार्ड ने। इस फिल्म में संगीत स्कोर दिया है MMA कीरावानी और स्कोर है आदेश श्रीवास्तव जी का। उत्पादन कंपनी है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म को उत्पादित किया गया है।
तो फ्रेंड्स इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 जून सन 2005 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 140 मिलियन का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 320 मिलियन का। तो नवे रीजन का उद्घाटन हरारे के लिबर्टी सिनेमा कॉम्प्लेक्स जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। इसमें डांस फिल्म फेस्टिवल और फ्रांस स्पिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोनों को भी चित्रित किया गया था। फिल्म का कार्यकारी शीर्षक घोष्ट का फ्रेंड अनुवादित है। फ्रेंड ऑफ ए घोष्ट था जो पहली सन 1979 के अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्राथमिकता थी। रीजन 24 जून 2005 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यावसायिक सफलता हासिल हुई थी, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की और इसे आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली और इसे मिली जुली रिव्यू द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन सिनेमेटोग्राफर ड्रेस और विशेष सामानों की प्रशंसा की गई थी। हालांकि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट की आलोचना भी मिली थी। तो 91 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पहली को 2 नामांकित प्राप्त हुए थे, सर्वश्रेष्ठ गीतकार दारा जलना के लिए गुलजार जी को और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका दारा जलना के लिए सोनू निगम जी को। 53वें राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कारों में से फिल्म सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता था श्रेया घोषाल दारा जलान के लिए। तो फिल्म की कहानी को 2 कठपुतलियों द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें नसरुद्दीन सार और रत्ना पाठक साथ शामिल हैं और अपनी आवाज़ दी है। एक युवा राजस्थानी ग्रामीण लड़की लच्छी यानी कि रानी मुखर्जी की शादी दूर के गांव के अमीर व्यापारी भंवरलाल यानी कि अनुपम खेर के बेटे किशन यानी कि शाहरुख खान से होती है, जो अपने घर से तीर्थयात्रा समय पार्टी एक धर्मशाला आध्यात्मिक आवास में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहाँ वह एक भूत लच्छी को देखती हैं और उसे प्यार किया जाता है। उस रात बाद में यह पता चलता है कि किशन जो एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है, एक पूर्व निर्धारित शुभ तिथि पर एक नई दूर का व्यवसाय शुरू करने की अपने पिता की इच्छा का सम्मान जो अगले दिन होता है। किशन अपना बही खाता पूरा करने के लिए रात में अपनी पत्नी से दूर हो जाता है और सुबह सुबह एक व्यवसाय की यात्रा जो 5 साल तक चलती है। लच्छी टिकाऊ हो गई और गजोरबो बाई यानी कि जूही चावला उनकी पत्नी की मौसी उन्हें सुंदरलाल कहते हैं। इस आधार पर सहानुभूति व्यक्त की और गजरोबाई के पति सुंदरलाल यानी कि सुनील शेट्टी भी खो गए हैं। अगले दिन भूत भंवरलाल के घर प्रकट होता है, जो लक्ष्मी के प्रति अपनी शिकायत के कारण किशन का रूप और आवाज़ देता है। तो घर में सबके सामने किशन का नाटक करने के बावजूद भूत रात में लच्छी को होने वाली अपनी असली पहचान है। इस प्रकार लच्छी को भूत के रूप में अपनी सभी आपत्तियों के बीच एक शैतान का सामना करना पड़ता है, जो उसके व्यवसायिक पति के रूप में लिया गया था। ये किशन के इस नए उचक्के मैजिक सामाजिक लग्जरी संस्करण को अपना मालिक है। किशन के रूप में भूत असली किशन के परिवार के सभी लोगों से दोस्ती करते हैं और भंवरलाल को जादुई संभावित आभूषण सोने के सिक्के खुश होकर प्रस्ताव रखते हैं। उसका एकमात्र दूत भोज यानी कि राजपाल यादव के साथ व्यवहार करना है, जो इस विचार से हैरान है कि किशन ने एक पत्र भेजा है जिसमें व्यवसायिक यात्रा से केवल अपने घर में इसे प्राप्त करने के लिए जब जो किशन के रूप में प्रकट होता है उसे अपना एक गिलास पानी नहीं देता तो वो नाराज हो जाता है। लच्छी और भूत 4 साल तक एक साथ आनंद और निर्भय रहे। इस दौरान वो अपने मुस्लिम लोगों से भी खुशी रही और परिवार और गांव की समस्याओं का समाधान किया। फिर लच्छी भूत के बच्चे से गर्भवती हो जाती है और असली किशन यह देखने के लिए लौटता है कि क्या उसकी पत्नी गर्भावस्था के बारे में अफवाहें सच हैं या गलत। वो भूत को अपने किशन के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए उसी समय लौटती है जब लच्छी प्रारंभिक होती है। प्रसव पीड़ा में और एक बेटी लूनिमा का जन्म हुआ। किशन का परिवार ये निर्धारित करने में असमर्थ है कि हम शक्लों से कौन असली किशन। भूत विचारधारा करने से इनकार कर रहा है। उन्होंने राजा से मिलने का फैसला किया ताकि वह बोल सके। इस बीच सुंदरलाल भी घर लौटता है और गजरोबाई से लंबे समय तक अचानक गायब होने के लिए माफ़ी मांगता है और अपने परिवार से मिल जाता है। किंग के रास्ते में किशन का परिवार एक स्कूल चरवाहे गडरिया यानी कि अमिताभ बच्चन के सामने से जो असली किशन के 3 परीक्षण उनकी मदद करता है। वो सबसे कहता है कि जो गर्म है को भंवरलाल का असली बेटा साबित करना चाहता है, जो समय पर अपनी
कर सकता है। भेड़ों को इकट्ठा होकर वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित कर सकता है और जो उसका है पानी की बोतल में प्रवेश कर सकता है वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित करेगा। खुद को दुल्हन का असली प्रेमी साबित करना चाहते हैं। किशन पहले दो प्रदर्शनों को करने की पूरी कोशिश करता है जिसे भूत देखने की जहमत भी नहीं मिलती। जब गडरिया ने कहा कि दुल्हन का असली प्रेमी तो भूत तीसरा असंभव कर्तव्य करता है और लच्छी बंद कर देता है ताकि भूत शामिल हो सके। इस रहस्योद्घाटन के बाद असली किशन बोतल को रेगिस्तान के बीचों बीच में खाना दिया जाता है और सभी लोग घर लौट जाते हैं। लच्छी भूत की मौत से टूट जाती है। अंत में यह पता चलता है कि भूत की बोतल से भाग गया है और अब उसके साथ किशन के शरीर पर रहना है, कब्जा कर लिया है। जबकि लच्छी अपने पति के सामने यह स्वीकार करने की कोशिश करती है कि भूत ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया है। भूत लच्छी को वो नाम की याद दिलाकर उनकी पहचान सामने आती है जो वो मूल रूप से अपनी बेटी को देने जा रहे थे। इस प्रकार लच्छी अपने असली पति और अपने भूत प्रेमी दोनों के साथ एक ही शरीर में खुशी से बनी रहती है। कठपुतलियाँ यह कहते हुए कहा जाता है कि यह एक बहुत पुरानी कहानी है जो लोक कथा है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में तो किशन लाल प्रेम भूत के रूप में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में हैं, रानी मुखर्जी के रूप में लच्छी जी हैं, किशन के पिता भवन लाल के रूप में अनुपम खेर हैं, कमली के रूप में आदित्य गोवित्र कर हैं और भोजा के रूप में राजपाल यादव हैं। भवन लाल के भाई कंवर लाल दिलीप प्रभाकर के रूप में हैं। सर्वरी जामिनिस किशन लाल की बहन राखमा के रूप में हैं। किशन की चचेरी बहन अनुसुईया के रूप में पलक जैन हैं जो बाल कलाकार के रूप में हैं। जीवराज के रूप में एके हंगल हैं और पुरुष कठपुतली के रूप में नसरुद्दीन शाह हैं। महिला कठपुतली के रूप में रत्ना पाठक शाह हैं। गडरिया के रूप में अमिताभ बच्चन हैं और गजरोबाई के रूप में जूही चावला हैं। किशन के भाई सुंदरलाल के रूप में सुनील अरोड़ा हैं। भूत के रूप में स्टूडियो शेखर हैं। सन 2004 में पलेकर सुनवाई के लिए शाहरुख खान के साथ गए हैं। स्क्रिप्ट सुनाने के बाद शाहरुख खान ने पलेकर से पूछा कि वो इसका निर्माण क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अभिनय भी कर सकते हैं। शाहरुख खान के अनुसार रिडल एक वुमेन लिबरेशन फिल्म है जो विवाह के उद्देश्य के रूप में निरूपित होती है और प्रश्न करती है कि एक महिला को केवल विवाह के कारण किसी पुरुष के साथ रहना चाहिए, प्रेम के कारण नहीं। रिडल की पूरी शूटिंग 45 दिन की अवधि में राजस्थान झुंझुनू जिले में की गई थी। रेगिस्तान में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का एक दृश्य मुंबई में एक हेलीपैड पर फिल्माया गया था। टोडरा सिंह ने हड़ी रानी कुंड का एक दृश्य अक्षर चांद बावड़ी के साथ मिसयूज में फिल्माया गया था। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो 79वीं अकादमी पुरस्कार पहली भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है और कहा कि कुल मिलाकर रिजल हाल के दिनों में बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस तरह की फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि हमें बाहरी लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। हॉलीवुड पढ़ें, जब भारतीय सत्य इतना समृद्ध है कि हमें मनोरम कहानियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो redpi.com से राजा सेन ये भी किताबी एक कथा और कहानी है जिसमें सबसे पहली बात यह है बहुत लंबे समय से अच्छी दिखने वाली भारतीय फिल्म है और अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से शामिल है। तो पलेकर ने एक नए मनोरम परिकथा तैयार की जो आकर्षक रूप से अच्छी है और रवि के अनुभव और उसी से यह फिल्म का बहुत ही प्रारंभिक दृश्य जो स्पष्ट है मछली की पट्टिका में हमें स्वीकार कर देती है और इसे redpi.com ने 2005 की 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया है और तीसरा स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो रिडल ने अपने उद्घाटन के दौरान 90% आरकूपेसी का आकलन किया था। फिल्म की भारत में कुल कमाई 187.5 मिलियन, US 2.3 मिलियन और विदेशी बाजारों में अतिरिक्त US 3.63 मिलियन है। इस भारत में औसत लेकिन विदेश में हिट करार दिया गया है। ये आपके वितरकों के लिए एक सुरक्षित और मूल्यवान उद्यम साबित हुआ है। तो फ्रेंड्स इस फिल्म का साउंडट्रैक गुलजार के सुर के साथ MM की रामानी द्वारा रचित एवं निर्मित किया गया है। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को जारी किया गया था। गाना दारा जलना ओकारिकी ओकारू 2003 के नदीरा ढिन्ना पर आधारित है।
तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दारा जलना, इसे गाया है सोनू निगम श्रेया घोषाल जी ने। नंबर 2 कंगना रे, इसे श्रेया घोषाल और मधु श्री बेला और सेंडे कलापिनी ने गाया है। कोमाली स्तूप निगम ने गाया है। नंबर 3 खाली है, इसे हरिहरन बेला सेंडे ने गाया है। नंबर 4 लगा रे जल्ला लगा, इसे गाया है डेरी किरावनी और सप्लायर कॉपरेशन श्रुति संडोलीकर ने। नंबर 5 मंत्रालय करे, इसे गाया है श्रेया घोषाल मधुश्री बेला सेंडे ने। नंबर 6 फिर रात बिल्ली, इसे सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 7 फिर रात बिल्ली रिमिक्स, इसे सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 8 दारा जलना वादे, इसे गाया है सुनिधि चौहान सुखमित्र सिंह ने। संगीत लेवल टी सीरीज का है। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो हिंदी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म बियर फूल 1996 से अपनी स्क्रीन की शुरुआत की और उनकी पहली प्रमुख भूमिका सन 1996 के सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में एक बाल कलाकार के रूप में अपने रोल को निभाया था। सन 1998 में उन्हें एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ उनकी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली थी और रोमांटिक ड्रामा कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान के रोमांटिक किरदार के रूप में उन्हें सफलता मिली और बाद वाले ने रानी मुखर्जी को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में। इसके बाद उन्होंने हेलो ब्रदर सन 1999 और नायक द रियल हीरो 2001 और सहित कई फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जिनमें से किसी ने भी उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद नहीं की। तो रानी मुखर्जी के करियर की संभावनाएं 2002 में बेहतर हुई जब उन्होंने यशराज फिल्म की साथिया में अभिनय किया था, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया था। सन 2004 की रोमांटिक कॉमेडी हम तुम और मिश्रित ड्रामा युवा में अपनी भूमिकाओं के लिए रानी मुखर्जी एक ही वर्ष में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई थी। इसके अलावा उस वर्ष उन्होंने वीर जारा में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2005 में उन्हें नाटक ब्लैक में एक अंधी बहरी और गूंगी महिला का किरदार निभाने के लिए प्रशंसाएं मिली थी और अपराध कॉमेडी फिल्म बंटी और बबली में एक ठग महिला की भूमिका निभाई थी। ब्लैक में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने नाटक कभी अलविदा ना कहना में एक नाखुश विवाहित महिला की भूमिका निभाई, जो उस समय विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। आर्थिक रूप से सफल नाटक ताराराम पम पम 2007 में एक प्रमुख भूमिका के साथ रानी मुखर्जी ने अगले 2 वर्षों तक मुख्य रूप से यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्मों में अभिनय किया था। इसी में किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके बाद वो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो डांस प्रीमियम लीग 2009 में टैलेंट जज के रूप में नजर आई थी और 2011 की थ्रिलर नो वन किल्ड जोशिका में एक जिद्दी टेलीविजन रिपोर्टर की भूमिका ने उन्हें फिल्मफेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की ट्रॉफी दिलाई थी और ये फिल्म 4 वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली सफलता साबित हुई थी। और 2012 में उन्होंने अलौकिक थ्रिलर तलाश में द आंसर लाइज विद इन में एक दुखी माँ की भूमिका निभाई थी और सन 2014 में वो क्राइम थ्रिलर मर्दानी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई दी थी। 4 साल के अंतराल के बाद रानी मुखर्जी ने हिचकी 2018 में टैरेंट सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्मों में से शुमार है। उन्होंने अगली कड़ी मर्दांगनी 2 2019 में अपनी भूमिका दोहराई, जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। सन 2023 में उन्होंने एक ऐसी महिला के वास्तविक जीवन के चरित्र के रूप में अभिनय किया था जिससे उनके बच्चों को ले जाया गया था। मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे नाटक में नार्वेजियन बाल कल्याण सेवाएं, जो एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी थीं। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ साथ जूही चावला ने भी अपने रोल को बखूबी प्ले किया था। तो जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली और तमिल और मलयालम फिल्मों के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करती हैं। मिस इंडिया 1984 पेजेंट की विजेता रही हैं। उन्होंने सन 1986 में एक संतलत से अभिनय की शुरुआत की और
उनकी पहली व्यावसायिक सफलता ब्लैकबस्टर कन्नड़ फिल्म प्रेम लोग सन 1987 में थी। उन्होंने लक्स यू न्यू फेम ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता कयामत से कयामत तक के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित प्रदान किया था। सन 1988 में जिसने उन्हें रातों रात स्टार के रूप में स्थापित कर दिया था वो अमर प्रेम सन 1989, बिक्की दादा सन 1989, लव 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 1989, प्रतिबंध 1990, स्वर्ग 1990, बेनाम बादशाह 1991 में, बोल राधा बोल सन 1992 में जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पाई है और राजू बन गया जेंटलमैन सन 1992 और उनमें से अधिकांश सफल साबित हुई हैं। सन 1993 तक हम हैं राही प्यार के सन 1993 में अभिनय करके वो बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बन गई थी, जिसने उन्हें एक हास्य अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। लुटेरे सन 1993 जिसने उन्हें उनके सौंदर्य और मानकों को स्थापित किया था और पारिवारिक नाटक आईना सन 1993 और डर सन 1993 जिसने उनकी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित किया और ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी और जूही चावला के अभिनय करियर को बॉलीवुड में स्थापित किया था। उन्होंने अंदाज 1994 और साजन का घर 1994 में, राम जानी 1995 में, नाजायज 1995 में, लोफर 1996 में, दीवाना मस्ताना 1997 में, यस बॉस सहित कई फिल्मों में अभिनय करके अपना स्टारडम जारी रखा और सन 1997 में इश्क, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में डुप्लीकेट, 1998 में और अर्जुन पंडित 1999 में और उनमें से अधिकांश आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी। उन्हें कयामत से कयामत तक सन 1988 में, स्वर्ग 1990 में, बोल राधा बोल 1992 में, आईना में उनके काम के लिए प्रशंसाएं मिली थी और 1993 में लुटेरे, 1993 में डर, 1993 में हम हैं राही प्यार के, 1993 में राम जाने और 1995 में दरार, 1996 में यस बॉस, 1997 में इश्क और 1997 में दीवाना मस्ताना, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में सात रंग के सपने, 1998 में अर्जुन पंडित, 1999 में इनकार बीट्स, 2003 में तीन दीवारें, 2003 में साढ़े सात फेरे, 2005 में माय ब्रदर निखिल, 2005 में बस एक पाल, 2006 में स्वामी, 2007 और आई एम, 2011 और भूतनाथ, 2008 में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसाएं मिली थी जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। 2008 में उनकी एक और रिलीज कॉमेडी ड्रामा क्रेजी 4 2008 थी जो मध्यम सफलता थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रशंसाएं मिली और सन 1999 में जूही चावला ने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ सहयोग किया और उनके साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम ड्रीम अनलिमिटेड रखा गया था। उनका पहला प्रोडक्शन वेंचर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 था जो साल की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही। इसके बाद अशोका 2001 आई जो भी व्यावसायिक विफलता थी यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। एक झटके के लिए जिम्मेदार ठहराया ड्रीम अनलिमिटेड द्वारा निर्मित आखिरी पिक्चर फिल्म चलते चलते 2003 भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही लेकिन इसके बाद श्रमिकों के बीच संघर्ष के कारण वे अलग हो गए थे। जूही चावला ने सन 1980 के दशक के अंत में 2000 के दशक की शुरुआत तक बॉलीवुड की सबसे सफल और अग्रणी महिला सितारों में से एक थी और उन्होंने फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई प्रशंसाएं हासिल की हैं और एक हास्य अभिनेत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आलोचकों ने विशेष रूप से उनकी हास्य क्षमता और उनकी टाइमिंग की सराहना की है। उनकी कई फिल्में जिनमें उन्होंने मजेदार भूमिकाएं निभाई और सफल रही थी हम हैं राही प्यार के सन 1993 में, लोफर 1996 में और इश्क 1997 में। उदाहरण के लिए कुछ नाम 2000 के दशक की परिस्थितियों को चिन्हित करने के लिए यथार्थवादी तरीकों से जूही चावला ने आर्ट हाउस फिल्मों में रुचि विकसित करना शुरू कर दिया था और उन्हें लगा कि कलाकार के रूप में चुनौतीपूर्ण थी। इस दौरान मुख्यधारा की फिल्मों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी इसके लिए उन्होंने झनकार बीट्स 2003, तीन दीवारें 2003, माय ब्रदर निखिल 2005 और सात फेरे 2005, बस एक पल जैसी कई गौर व्यावसायिक फिल्मों की 2006 में, स्वामी 2007 और आई एम 2011, इन सभी से उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और एक अभिनेत्री के रूप में उन्हें संतुष्ट महसूस हुआ था। ये कहानी 2005 में पहली फिल्म के रूप में अमोल पालेकर द्वारा फिल्माई गई जिसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थी। एक मानवीय दुर्दशा को इतनी दृढ़ता से चित्रित किया गया था कि हम अपने
पढ़ने की धीमा कर देते हैं। स्थिति की जटिलता का स्वाद लेना चाहते हैं। इस कहानी में एक महिला की दुविधा का वर्णन किया गया है जिसमें वो खुद को असाधारण प्यार को अस्वीकार करने की स्थिति में आ जाती हैं और साथ ही साथ एक व्यावसायिक मानसिकता को भी दर्शाती हैं। तो द डिप्लोमा में भूत को पता चलता है कि वो इतनी कठिन स्थिति में हैं कि उन्हें सत्य और असत्य के बीच की बारीक धारा पर उतनी ही कुशलता से चलना है जितना कि स्वयं बुद्धिमान युधिष्ठिर को चलना पड़ा था। इस कहानी में हर किरदार अपनी एक दुविधा से जूझ रहा है, चाहे वो दुल्हन हो, भूत हो या व्यापारी, पति हो या भूत की मनमन गति या की दिशा को एक भूत होकर भी उसे बनो एक मनुष्य से प्यार हो जाता है और वो उसे हासिल करना चाहता है। एक दुल्हन जिसे अपने पति से प्रेम करना चाहिए पर उस भूत से प्यार कर बैठती है जो कभी उसे हासिल हो ही नहीं सकता, और एक पति जो जिसके प्यार करने के लिए उसे ही छोड़कर जाना पड़ता है और जब उसे पाना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो किसी और से प्यार करने लगती है। तो कहानी शुरू होती है एक नवविवाहित जोड़ी जो दुल्हन विदा करा के अपने गांव लौट रहा होता है। एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं जहां एक भूत रहता है। भूत लड़की की सुंदरता से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे उससे प्यार हो जाता है। अजीब बात यह है कि पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ ऐसा अनुभव करा रहा हो, अपने समुदाय की व्यावसायिक मानसिकता में इंसाफ इतना पहली फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर और राइटर अमोल पालेकर ने हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान दिया है। अमोल पालेकर के निर्देशन में बनी पहली ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री थी। इस फिल्म को देश में दर्शकों ने तो खुद कुछ खास पसंद नहीं किया था लेकिन इस क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कहानी से लेकर अभिनय तक सब कुछ जमकर तारीफ की थी। हाल ही में अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में अपनी इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प खुलासे किए हैं। हैडली लेमर की समीक्षा में भूत प्रेत ऊंट दौड़ जीवंत और अक्सर टकराने वाले रंग दिव्य संगीत मासूमियत और प्यार के साथ बहुत पहले के समय की एक परी कथा है। ऐसा क्या पसंद नहीं था। रानी एक युवा महसूस करती है कि मैं एक दुल्हन हूँ, जो मैं मासूम हूँ, मेरा नाम लच्छी है, जिसकी शादी हो जाती है और वो अपने नए घर की यात्रा पर निकल पड़ती है। शाहरुख खान एक आज्ञाकारी दूल्हा है किसे ने अपने प्रेम के प्रति जुनूनी है, जिसे शादी के तुरंत बाद व्यवसाय के लिए दूर शहर जाना पड़ता है। भूत एक पक्षी, एक गिलहरी, एक प्रेत है जिसे दुल्हन से प्यार हो जाता है और अंततः उसके जाने पर दूल्हे का रूप धारण कर लेता है। नई दुल्हन और दूल्हे के साथ तब तक सब ठीक है जब वो असली लड़के को अपनी दुल्हन याद नहीं आती, जब याद आती है तो वो अपने घर आने का फैसला कर लेता है। भ्रम की स्थिति बनी रहती है और असली किसान कौन है, इस पहेली को एक चरवाहे द्वारा सुलझाया जाता है। अमिताभ बच्चन ने स्पष्ट रूप से शीर्षक अभिनय वाली कैमियों में अच्छी रानी दिव्या है जो चतुराई से उसके हल्के हाथ से दिखाती है और भूमिका वो अपार परंपरागत विकल्प चुनती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता को पहली ज़्यादा पसंद नहीं आई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। आधी रात जब चांद ढले अद्भुत प्रदर्शन किया, शाहरुख खान दो गुना और दोनों रूपों से अच्छा प्रदर्शन। किसी को आश्चर्य होता है कि अगर हम अपनी 5 इंद्रियों को हल्के में ले लें और लंबे समय तक उनका बिल्कुल भी अनुभव ना करना चाहें तो कैसा होगा। शाहरुख खान को एक भूत के रूप में देखे, एक माँ के पहले स्पर्श से उसके चेहरे पर आश्चर्य सुंदर और घर को देखना, बच्चों भाई बहन भतीजे के साथ खेलने में खुशी, यह जानने के लिए किसके रूप में शाहरुख खान को अंततः एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा है, यह तब तक सबसे कम दुख है जब पोशाकें अद्भुत हैं। देवदास में वेशभूषा पर बहुत कुछ बनाया गया है लेकिन ये प्रामाणिक राजस्थान है जो सबसे अच्छे और सबसे संगीन रूप से आभूषण किसी भी महिला को मदहोश कर देते हैं। संगीत द्रव्य, आधी रात, धीरे जलना, उत्कृष्ट संख्याएं, मेरी राय में बुरा भला बहुत कम हो सकता है। जब मैं उन्हें अब पानी मिले तो नृत्य बंद कर दिया लेकिन फिर भी फिल्म बहुत छोटी थी, ऊंट दौड़ थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन अगर आप परी कथा शैली को ध्यान में रखते तो शायद ठीक है। तार्किक खामियां, चलो आखिरकार यह एक परी कथा है, जैसे भूत प्रेत और परियों में कोई तर्क होता है।
कहानी के साथ साथ अपने बचपन में वापस चला गया, रंगों और संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया, भूत किसान और रच्छी के चित्रण का बहुत आनंद लिया। अनुपम खेर एक लालची पिता की भूमिका में अच्छे लगे और निश्चित रूप से वो शानदार जूही चावला थी। मैंने उसे दुखी चाची के रूप में एक कैमियो के रूप में कभी नहीं देखा था। कुछ शब्द कहे गए थे, उसने यह सब अपनी आंखों के सामने किया। कृपया वापस आ जाओ जूही, हम तुम्हें याद करते हैं। तो पहली एक प्रेम कहानी के रूप में छिपी महिला अधिकारों के विशेष एक असामान्य फिल्म है, जो यह मूल रूप से एक युवा महिला लच्छी यानी कि रानी मुखर्जा की कहानी है, जिसे उसके पति किशन यानी कि शाहरुख खान ने शादी के अगले दिन छोड़ दिया, और एक आत्मा जिसे लच्छी से प्यार हो जाता है, जब वो घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति 5 साल के लिए दूर रहेगा, और इसीलिए वो किशन का रूप धारण कर लेती है और अगले 4 वर्षों तक लच्छी के साथ रहती है। आखिरकार निश्चित रूप से पति लौट आता है। संजीव रायसा और शाहरुख खान द्वारा निर्मित यह फिल्म एक पत्नी यानी कि रानी रागिनी मुखर्जी की कहानी बताती है कि मेरा पति यानी कि शाहरुख खान एक व्यावसायिक यात्रा पर जाता है और उसके पति के भेष में से एक जिन्न मुलाकात होती है जो प्यार करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके पति का स्थान देवता की कहानी है, जो पहले सन 1973 में मणिकौल की फिल्म में रूपांतरित हुई थी। मूल रूप से स्लो कथा है और पहली फ्लैट है और इसकी मुख्य महिला चरित्र अधिक नारीवाद एजेंसी की ओर से अपनी स्रोत सामग्री और पहले के रूपांतरों में से अलग जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमोल पारेकर जी ने और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है संध्या गोखले ने और इस फिल्म की कहानी लिखी है विजयदान देथा और संध्या गोखले और अमोल पारेकर जी ने। ये मूवी आधारित है विजयदान देथा द्वारा। इसे अभिनीत किया है शाहरुख खान, रानी मुखर्जी जी ने। वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक जी, और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्र ने और इस फिल्म में सारांश दिया है अमिताभ शुक्ला ने, स्टीवन एच वनार्ड ने। इस फिल्म में संगीत स्कोर दिया है MMA कीरावानी और स्कोर है आदेश श्रीवास्तव जी का। उत्पादन कंपनी है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म को उत्पादित किया गया है। तो फैंस, इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 जून सन 2005 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 140 मिलियन का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 320 मिलियन का। तो नवे रीजन का उद्घाटन हरारे के लिबर्टी सिनेमा कॉम्प्लेक्स जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। इसमें डांस फिल्म फेस्टिवल और फ्रांस स्पिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोनों को भी चित्रित किया गया था। फिल्म का कार्यकारी शीर्षक घोष्ट का फ्रेंड अनुवादित है, फ्रेंड ऑफ ए घोष्ट था, जो पहली सन 1979 के अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्राथमिकता थी। रीजन 24 जून 2005 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यावसायिक सफलता हासिल हुई थी, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की और इसे आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली और इसे मिली जुली रिव्यू द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफर, ड्रेस और विशेष सामानों की प्रशंसा की गई थी। हालांकि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट की आलोचना भी मिली थी। तो 91 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पहली को 2 नामांकित प्राप्त हुए थे, सर्वश्रेष्ठ गीतकार दारा जलना के लिए गुलजार जी को और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका दारा जलना के लिए सोनू निगम जी को। 53वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से फिल्म सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता था सेरा घोषाल दारा जलान के लिए। तो फिल्म की कहानी को 2 कठपुतलियों द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें नसरुद्दीन सार और रत्ना पाठक साथ शामिल हैं और अपनी आवाज़ दी है। एक युवा राजस्थानी ग्रामीण लड़की लच्छी यानी कि रानी मुखर्जी की शादी दूर के गांव के अमीर व्यापारी भंवरलाल यानी कि अनुपम खेर के बेटे किशन यानी कि शाहरुख खान से होती है, जो अपने घर से तीर्थयात्रा समय पार्टी एक धर्मशाला आध्यात्मिक आवास में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहाँ वह एक भूत लच्छी को देखती हैं और उसे प्यार किया जाता है। उस रात बाद में यह पता चलता है कि किशन, जो एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है, एक पूर्व निर्धारित शुभ तिथि पर एक नई दूर का व्यवसाय शुरू करने की अपने पिता की इच्छा का सम्मान जो अगले दिन होता है, किशन अपना बाही खाता पूरा करने के लिए रात में अपनी पत्नी से दूर हो जाता है और सुबह सुबह एक व्यवसाय की यात्रा जो 5 साल तक चलती है। लच्छी टिकाऊ हो गई और
गजोरबो बाई यानी कि जूही चावला उनकी पत्नी की मौसी उन्हें सुंदरलाल कहते हैं। इस आधार पर सहानुभूति व्यक्त की और गजरोबाई के पति सुंदरलाल यानी कि सुनील शेट्टी भी खो गए हैं। अगले दिन भूत भंवरलाल के घर प्रकट होता है जो लक्ष्मी के प्रति अपनी शिकायत के कारण किशन का रूप और आवाज़ देता है। तो घर में सबके सामने किशन का नाटक करने के बावजूद भूत रात में लक्ष्मी को होने वाली अपनी असली पहचान है। इस प्रकार लक्ष्मी को भूत के रूप में अपनी सभी आपत्तियों के बीच एक शैतान का सामना करना पड़ता है जो उसके व्यवसायिक पति के रूप में लिया गया था। ये किशन के इस नए उचक्के मैजिक सामाजिक लग्जरी संस्करण को अपना मालिक है। किशन के रूप में भूत असली किशन के परिवार के सभी लोगों से दोस्ती करते हैं और भंवरलाल को जादुई संभावित आभूषण सोने के सिक्के खुश होकर प्रस्ताव रखते हैं उसका एकमात्र दूत भोजी यानी कि राजपाल यादव के साथ व्यवहार करना है, जो इस विचार से हैरान है कि किशन ने एक पत्र भेजा है जिसमें व्यावसायिक यात्रा से केवल अपने घर में इसे प्राप्त करने के लिए जब जो किशन के रूप में प्रकट होता है उसे अपना एक गिलास पानी नहीं देता तो वो नाराज हो जाता है। लच्छी और भूत 4 साल तक एक साथ आनंद और निर्भय रहे। इस दौरान वो अपने मुस्लिम लोगों से भी खुशी रही और परिवार और गांव की समस्याओं का समाधान किया। फिर लच्छी भूत के बच्चे से गर्भवती हो जाती है और असली किशन यह देखने के लिए लौटता है कि क्या उसकी पत्नी गर्भावस्था के बारे में अफवाहें सच हैं या गलत। वो भूत को अपने किशन के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए उसी समय लौटती है जब लच्छी प्रारंभिक होती है। प्रसव पीड़ा में और एक बेटी लूनिमा का जन्म हुआ। किशन का परिवार ये निर्धारित करने में असमर्थ है कि हम शक्लों से कौन असली किशन। भूत विचारधारा करने से इनकार कर रहा है। उन्होंने राजा से मिलने का फैसला किया ताकि वह बोल सके। इस बीच सुंदरलाल भी घर लौटता है और गजरोबाई से लंबे समय तक अचानक गायब होने के लिए माफ़ी मांगता है और अपने परिवार से मिल जाता है। किंग के रास्ते में किशन का परिवार एक स्कूल चरवाहे गडरिया यानी कि अमिताभ बच्चन के सामने से जो असली किशन के 3 परीक्षण उनकी मदद करता है। वो सबसे कहता है कि जो गरम है को भंवरलाल का असली बेटा साबित करना चाहता है। जो समय पर अपनी कर सकता है भेड़ों को इकट्ठा होकर वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित कर सकता है और जो उसका है पानी की बोतल में प्रवेश कर सकता है वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित करेगा। खुद को दुल्हन का असली प्रेमी साबित करना चाहते हैं। किशन पहले 2 प्रदर्शनों को करने की पूरी कोशिश करता है जिसे भूत देखने की जहमत भी नहीं मिलती। जब गडरिया ने कहा कि दुल्हन का असली प्रेमी तो भूत 3रा असंभव कर्तव्य करता है और लच्छी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए पानी की बोतल में प्रवेश करता है। इस प्रकार असली किशन का पता चलता है और गडरिया जल्दी से अपनी बोतल बंद कर देता है ताकि भूत शामिल हो सके। इस रहस्योद्घाटन के बाद असली किशन बोतल को रेगिस्तान के बीचों बीच में खाना दिया जाता भाग गया है और अब उसके साथ किशन के शरीर पर रहना है, कब्जा कर लिया है। जबकि लच्छी अपने पति के सामने यह स्वीकार करने की कोशिश करती है कि भूत ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया है। भूत लच्छी को वो नाम की याद दिलाकर उनकी पहचान सामने आती है जो वो मूल रूप से अपनी बेटी को देने जा रहे थे। इस प्रकार लच्छी अपने असली पति और अपने भूत प्रेमी दोनों के साथ एक ही शरीर में खुशी से बनी रहती है। कठपुतलियाँ यह कहते हुए कहा जाता है कि यह एक बहुत पुरानी कहानी है जो लोक कथा है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो किशन लाल प्रेम भूत के रूप में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में हैं। रानी मुखर्जी के रूप में लच्छी जी हैं। किशन के पिता भवन लाल के रूप में अनुपम खेर हैं। कमली के रूप में आदित्य गोवित्र कर हैं और भोजा के रूप में राजपाल यादव हैं। भवन लाल के भाई कंवर लाल दिलीप प्रभाकर के रूप में हैं। सरवरी जामिनिस किशन लाल की बहन राखमा के रूप में हैं। किशन की चचेरी बहन अनुसुईया के रूप में पलक जैन हैं जो बाल कलाकार के रूप में हैं। जीवराज के रूप में एके हंगल हैं और पुरुष कठपुतली के रूप में नसरुद्दीन शाह हैं। महिला कठपुतली के रूप में रत्ना पाठक शाह हैं। गडरिया के रूप में अमिताभ बच्चन हैं और गजरोबाई के रूप में जूही चावला हैं। किशन के भाई सुंदरलाल के रूप में सुनील अरोड़ा हैं। भूत के रूप में स्टूडियो शेखर हैं। सन 2004 में पलेकर सुनवाई के लिए शाहरुख खान के साथ गए हैं। स्क्रिप्ट सुनाने के बाद
शाहरुख खान ने पालेकर से पूछा कि वो इसका निर्माण क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अभिनय भी कर सकते हैं। शाहरुख खान के अनुसार रिडल एक वुमेन लिबरेशन फिल्म है जो विवाह के उद्देश्य के रूप में निरूपित होती है और प्रश्न करती है कि एक महिला को केवल विवाह के कारण किसी पुरुष के साथ रहना चाहिए, प्रेम के कारण नहीं। रिडल की पूरी शूटिंग 45 दिन की अवधि में राजस्थान झुंझुनू जिले में की गई थी। रेगिस्तान में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का एक दृश्य मुंबई में एक हेलीपैड पर फिल्माया गया था। टोडरा सिंह ने हड़ी रानी कुंड का एक दृश्य अक्षर चांद बावड़ी के साथ मिसयूज में फिल्माया गया था। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो 79वीं अकादमी पुरस्कार पहली भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है और कहा कि कुल मिलाकर रिजल हाल के दिनों में बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस तरह की फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि हमें बाहरी लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। हॉलीवुड पढ़ें, जब भारतीय सत्य इतना समृद्ध है कि हमें मनोरम कहानियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो redpi.com से राजा सेन ये भी किताबी एक कथा और कहानी है जिसमें सबसे पहली बात यह है बहुत लंबे समय से अच्छी दिखने वाली भारतीय फिल्म है और अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से शामिल है। तो पालेकर ने एक नए मनोरम परिकथा तैयार की जो आकर्षक रूप से अच्छी है और रवि के अनुभव और उसी से यह फिल्म का बहुत ही प्रारंभिक दृश्य जो स्पष्ट है मछली की पट्टिका में हमें स्वीकार कर देती है और इसे redpi.com ने 2005 की 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया है और तीसरा स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो रिडल ने अपने उद्घाटन के दौरान 90% आरकूपेसी का आकलन किया था। फिल्म की भारत में कुल कमाई 187.5 मिलियन, US 2.3 मिलियन और विदेशी बाजारों में अतिरिक्त US 3.63 मिलियन है। इस भारत में औसत लेकिन विदेश में हिट करार दिया गया है। ये आपके वितरकों के लिए एक सुरक्षित और मूल्यवान उद्यम साबित हुआ है। तो फ्रेंड्स इस फिल्म का साउंड ट्रैक गुलजार के सुर के साथ MM की रामानी द्वारा रचित एवं निर्मित किया गया है। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को जारी किया गया था। गाना दारा जलना ओकारू 2003 के नदीरा ढिन्ना पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दारा जलना, इसे गाया है सोनू निगम श्रेया घोषाल जी ने। नंबर 2 कंगना रे, इसे श्रेया घोषाल और मधु श्री बेला और सेंडे कलापिनी ने गाया है। कोमाली स्तूप निगम ने गाया है। नंबर 3 खाली है, इसे हरिहरन बेला सेंडे ने गाया है। नंबर 4 लगा रे जल्ला लगा, इसे गाया है डेरी किरावनी और सप्लायर कॉपरेशन श्रुति संडोलीकर ने। नंबर 5 मंत्रालय करे, इसे गाया है श्रेया घोषाल मधुश्री बेला सेंडे ने। नंबर 6 फिर रात बिल्ली, इसे सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 7 फिर रात बिल्ली रिमिक्स, इसे सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 8 दारा जलना वादे, इसे गाया है सुनिधि चौहान सुखमित्र सिंह ने। संगीत लेवल टी सीरीज का है। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो हिंदी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म बियर फूल 1996 से अपनी स्क्रीन की शुरुआत की और उनकी पहली प्रमुख भूमिका सन 1996 के सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में एक बाल कलाकार के रूप में अपने रोल को निभाया था। सन 1998 में उन्हें एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ उनकी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली थी और रोमांटिक ड्रामा कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान के रोमांटिक किरदार के रूप में उन्हें सफलता मिली और बाद वाले ने रानी मुखर्जी को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में। इसके बाद उन्होंने हेलो ब्रदर सन 1999 और नायक द रियल हीरो 2001 और सहित कई फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई है जिनमें से किसी ने भी उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद नहीं की। तो रानी मुखर्जी के करियर की संभावना 2002 में बेहतर हुई जब उन्होंने यशराज फिल्म की साथिया में अभिनय किया था जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया था। सन 2004 की रोमांटिक कॉमेडी हम तुम और मिश्रित ड्रामा युवा में अपनी भूमिकाओं के लिए रानी मुखर्जी एक ही वर्ष में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ सहायक
अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई थी। इसके अलावा उस वर्ष उन्होंने वीर जारा में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2005 में उन्हें नाटक ब्लैक में एक अंधी बहरी और गूंगी महिला का किरदार निभाने के लिए प्रशंसाएं मिली थी, और अपराध कॉमेडी फिल्म बंटी और बबली में एक ठग महिला की भूमिका निभाई थी। ब्लैक में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने नाटक कभी अलविदा ना कहना में एक नाखुश विवाहित महिला की भूमिका निभाई, जो उस समय विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। आर्थिक रूप से सफल नाटक ताराराम पम पम 2007 में एक प्रमुख भूमिका के साथ रानी मुखर्जी ने अगले दो वर्षों तक मुख्य रूप से यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्मों में अभिनय किया था। इसी में किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके बाद वो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो डांस प्रीमियम लीग 2009 में टैलेंट जज के रूप में नजर आई थी, और 2011 की थ्रिलर नो वन किल्ड जोशिका में एक जिद्दी टेलीविजन रिपोर्टर की भूमिका ने उन्हें फिल्मफेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की ट्रॉफी दिलाई थी। और ये फिल्म 4 वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली सफलता साबित हुई थी, और 2012 में उन्होंने अलौकिक थ्रिलर तलाश में द आंसर लाइज विद इन में एक दुखी माँ की भूमिका निभाई थी, और सन 2014 में वो क्राइम थ्रिलर मर्दानी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई दी थी। 4 साल के अंतराल के बाद रानी मुखर्जी ने हिचकी 2018 में टैरेंट सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्मों में से शुमार है। उन्होंने अगली कड़ी मर्दांगनी 2 2019 में अपनी भूमिका दोहराई, जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। सन 2023 में उन्होंने एक ऐसी महिला के वास्तविक जीवन के चरित्र के रूप में अभिनय किया था, जिससे उनके बच्चों को ले जाया गया था। मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे नाटक में नार्वेजियन बाल कल्याण सेवाएं, जो एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी थीं। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ साथ जूही चावला ने भी अपने रोल को बखूबी प्ले किया था। तो जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली और तमिल और मलयालम फिल्मों के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करती हैं। मिस इंडिया 1984 पेजेंट की विजेता रही हैं। उन्होंने सन 1986 में एक संतलत से अभिनय की शुरुआत की, और उनकी पहली व्यावसायिक सफलता ब्लैक बस्टर कन्नड़ फिल्म प्रेम लोग सन 1987 में थी। उन्होंने लक्स यू न्यू फेम ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, और महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता कयामत से कयामत तक के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित प्रदान किया था। सन 1988 में जिसने उन्हें रातोंरात स्टार के रूप में स्थापित कर दिया था, वो अमर प्रेम सन 1989, बिक्की दादा सन 1989, लव 1989, प्रतिबंध 1990, स्वर्ग 1990, बेनाम बादशाह 1991 में, बोल राधा बोल सन 1992 में जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पाई है, और राजू बन गया जेंटलमैन सन 1992, और उनमें से अधिकांश सफल साबित हुई हैं। सन 1993 तक हम हैं राही प्यार के सन 1993 में अभिनय करके वो बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बन गई थी, जिसने उन्हें एक हास्य अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था, और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। लुटेरे सन 1993 जिसने उन्हें उनके सौंदर्य और मानकों को स्थापित किया था, और पारिवारिक नाटक आईना सन 1993 और डर सन 1993 जिसने उनकी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित किया, और ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी और जूही चावला के अभिनय करियर को बॉलीवुड में स्थापित किया था। उन्होंने अंदाज 1994 और साजन का घर 1994 में, राम जानी 1995 में, नाजायज 1995 में, लोफर 1996 में, दीवाना मस्ताना 1997 में, यस बॉस सहित कई फिल्मों में अभिनय करके अपना स्टारडम जारी रखा। और सन 1997 में इश्क, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में डुप्लीकेट, 1998 में और अर्जुन पंडित 1999 में, और उनमें से अधिकांश आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी। उन्हें कयामत से कयामत तक सन 1988 में, स्वर्ग 1990 में, बोल राधा बोल 1992 में, आईना में उनके काम के लिए प्रशंसाएं मिली थी, और 1993 में लुटेरे, 1993 में डर, 1993 में हम हैं राही प्यार के, 1993 में राम जाने, और 1995 में दरार, 1996 में यस बॉस, 1997 में इश्क, और 1997 में दीवाना मस्ताना, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में सात रंग के सपने, 1998 में अर्जुन पंडित, 1999 में इनकार बीट्स, 2003 में तीन दीवारें, 2003 में साढ़े सात फेरे,
2005 में, माय ब्रदर निखिल 2005 में, बस एक पाल 2006 में, स्वामी 2007 और आई एम 2011 और भूतनाथ 2008 में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसाएं मिली थी, जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। 2008 में उनकी एक और रिलीज कॉमेडी ड्रामा क्रेजी 4 2008 थी, जो मध्यम सफलता थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रशंसाएँ मिली और सन 1999 में जूही चावला ने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ सहयोग किया और उनके साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसका नाम ड्रीम अनलिमिटेड रखा गया था। उनका पहला प्रोडक्शन वेंचर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 था, जो साल की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही। इसके बाद अशोका 2001 आई, जो भी व्यावसायिक विफलता थी, यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। एक झटके के लिए जिम्मेदार ठहराया ड्रीम अनलिमिटेड द्वारा निर्मित आखिरी पिक्चर फिल्म चलते चलते 2003 भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इसके बाद श्रमिकों के बीच संघर्ष के कारण वे अलग हो गए थे। जूही चावला ने सन 1980 के दशक के अंत में 2000 के दशक की शुरुआत तक बॉलीवुड की सबसे सफल और अग्रणी महिला सितारों में से एक थी और उन्होंने फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई प्रशंसाएं हासिल की हैं और एक हास्य अभिनेत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आलोचकों ने विशेष रूप से उनकी हास्य क्षमता और उनकी टाइमिंग की सराहना की है। उनकी कई फिल्में जिनमें उन्होंने मजेदार भूमिकाएं निभाई और सफल रही थी, हम हैं राही प्यार के सन 1993 में, लोफर 1996 में और इश्क 1997 में। उदाहरण के लिए कुछ नाम 2000 के दशक की परिस्थितियों को चिन्हित करने के लिए यथार्थवादी तरीकों से जूही चावला ने आर्ट हाउस फिल्मों में रुचि विकसित करना शुरू कर दिया था और उन्हें लगा कि कलाकार के रूप में चुनौतीपूर्ण थी। इस दौरान मुख्यधारा की फिल्मों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी, इसके लिए उन्होंने झनकार विट्स 2003, तीन दीवारें 2003, माय ब्रदर निखिल 2005 और सात फेरे 2005, बस एक पल जैसी कई गौर व्यावसायिक फिल्मों की 2006 में, स्वामी 2007 और आई एम 2011, इन सभी से उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और एक अभिनेत्री के रूप में उन्हें संतुष्ट महसूस हुआ था। ये कहानी 2005 में पहली फिल्म के रूप में अमोल पालेकर द्वारा फिल्माई गई, जिसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थी। एक मानवीय दुर्दशा को इतनी दृढ़ता से चित्रित किया गया था कि हम अपने पढ़ने की धीमा कर देते हैं, स्थिति की जटिलता का स्वाद लेना चाहते हैं। इस कहानी में एक महिला की दुविधा का वर्णन किया गया है, जिसमें वो खुद को असाधारण प्यार को अस्वीकार करने की स्थिति में आ जाती हैं और साथ ही साथ एक व्यावसायिक मानसिकता को भी दर्शाती हैं। तो द डिप्लोमा में भूत को पता चलता है कि वो इतनी कठिन स्थिति में हैं कि उन्हें सत्य और असत्य के बीच की बारीक धारा पर उतनी ही कुशलता से चलना है जितना कि स्वयं बुद्धिमान युधिष्ठिर को चलना पड़ा था। इस कहानी में हर किरदार अपनी एक दुविधा से जूझ रहा है, चाहे वो दुल्हन हो, भूत हो या व्यापारी, पति हो या भूत की मनमन गति या की दिशा को। एक भूत होकर भी उसे बनो एक मनुष्य से प्यार हो जाता है और वो उसे हासिल करना चाहता है। एक दुल्हन जिसे अपने पति से प्रेम करना चाहिए पर उस भूत से प्यार कर बैठती है जो कभी उसे हासिल हो ही नहीं सकता, और एक पति जो जिसके प्यार करने के लिए उसे ही छोड़कर जाना पड़ता है और जब उसे पाना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो किसी और से प्यार करने लगती है। तो कहानी शुरू होती है एक नवविवाहित जोड़ी जो दुल्हन विदा करा के अपने गांव लौट रहा होता है, एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं जहां एक भूत रहता है। भूत लड़की की सुंदरता से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे उससे प्यार हो जाता है। अजीब बात यह है कि पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ ऐसा अनुभव करा रहा हो, अपने समुदाय की व्यावसायिक मानसिकता में इंसाफ इतना। पहली फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर और राइटर अमोल पालेकर ने हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान दिया है। अमोल पालेकर के निर्देशन में बनी पहली भारत की तरफ से 19वें ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री थी। इस फिल्म को देश में दर्शकों ने तो कुछ खास पसंद नहीं किया था, लेकिन इस क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कहानी से लेकर अभिनय तक सब कुछ जमकर तारीफ की थी। हाल ही में अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में अपनी इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प खुलासे किए हैं। हैडली लेमर की समीक्षा में भूत प्रेत ऊंट दौड़ जीवंत और अक्सर टकराने वाले रंग दिव्य संगीत मासूमियत और प्यार के साथ बहुत पहले के समय की एक परी कथा है, ऐसा क्या पसंद नहीं था। रानी एक युवा महसूस
करती है कि मैं एक दुल्हन हूँ जो मैं मासूम हूँ, मेरा नाम लच्छी है, जिसकी शादी हो जाती है और वो अपने नए घर की यात्रा पर निकल पड़ती है। शाहरुख खान एक आज्ञाकारी दूल्हा है, किसे ने अपने प्रेम के प्रति जुनूनी है, जिसे शादी के तुरंत बाद व्यवसाय के लिए दूर शहर जाना पड़ता ही है। भूत एक पक्षी एक गिलहरी एक प्रेत है, जिसे दुल्हन से प्यार हो जाता है और अंततः उसके जाने पर दूल्हे का रूप धारण कर लेता है। नई दुल्हन और दूल्हे के साथ तब तक सब ठीक है जब वो असली लड़के को अपनी दुल्हन याद नहीं आती, जब याद आती है तो वो अपने घर आने का फैसला कर लेता है। भ्रम की स्थिति बनी रहती है और असली किसान कौन है, इस पहेली को एक चरवाहे द्वारा सुलझाया जाता है। अमिताभ बच्चन ने स्पष्ट रूप से शीर्षक अभिनय वाली कैमियों में अच्छी रानी दिव्या है, जो चतुराई से उसके हल्के हाथ से दिखाती है, वो अपार परंपरागत विकल्प चुनती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता को पहली ज़्यादा पसंद नहीं आई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। आधी रात जब चांद ढले अद्भुत प्रदर्शन किया, शाहरुख खान दो गुना और दोनों रूपों से अच्छा प्रदर्शन। किसी को आश्चर्य होता है कि अगर हम अपनी पांच इंद्रियों को हल्के में ले लें और लंबे समय तक उनका बिल्कुल भी अनुभव ना करना चाहें तो कैसा होगा। शाहरुख खान को एक भूत के रूप में देखे, एक माँ के पहले स्पर्श से उसके चेहरे पर आश्चर्य सुंदर और घर को देखना, बच्चों भाई बहन भतीजे के साथ खेलने में खुशी, यह जानने के लिए किसने किसके रूप में शाहरुख खान को अंततः एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा है, यह तब तक सबसे कम दुख है जब पोशाकें अद्भुत हैं। देवदास में वेशभूषा पर बहुत कुछ बनाया गया है, लेकिन ये प्रामाणिक राजस्थान है जो सबसे अच्छे और सबसे संगीन रूप से आभूषण किसी भी महिला को मदहोश कर देते हैं। संगीत द्रव्य, आधी रात, धीरे जलना, उत्कृष्ट संख्याएं, मेरी राय में बुरा भला बहुत कम हो सकता है। जब मैं उन्हें अब पानी मिले तो नृत्य बंद कर दिया, लेकिन फिर भी फिल्म बहुत छोटी थी, ऊंट दौड़ थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप परिकथा शैली को ध्यान में रखते तो शायद ठीक है। तार्किक खामियां, चलो आखिरकार यह एक परिकथा है, जैसे भूत प्रेत और परियों में कोई तर्क होता है। कहानी के साथ साथ अपने बचपन में वापस चला गया, रंगों और संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया, भूत किसान और लच्छी के चित्रण का बहुत आनंद लिया। अनुपम खेर एक लालची पिता की भूमिका में अच्छे लगे और निश्चित रूप से वो शानदार जूही चावला थी। मैंने उसे दुखी चाची के रूप में एक कैमियो के रूप में कभी नहीं देखा था। कुछ शब्द कहे गए थे, उसने यह सब अपनी आंखों के सामने किया। कृपया वापस आ जाओ जूही, हम तुम्हें याद करते हैं। तो पहली एक प्रेम कहानी के रूप में छिपी महिला अधिकारों के विशेष एक असामान्य फिल्म है, जो ये मूल रूप से एक युवा महिला लच्छी यानी कि रानी मुखर्जी की कहानी है, जिसे उसके पति किशन यानी कि शाहरुख खान ने शादी के अगले दिन छोड़ दिया, और एक आत्मा जिसे लच्छी से प्यार हो जाता है। जब वो घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति 5 साल के लिए दूर रहेगा, और इसीलिए वो किशन का रूप धारण कर लेती है और अगले 4 वर्षों तक लच्छी के साथ रहती है। आखिरकार निश्चित रूप से पति लौट आता है। पहले सन 1973 में मणिकौल की फिल्म में रूपांतरित हुई थी। मूल रूप से स्लो कथा है और पहली फ्लैट है, और इसकी मुख्य महिला चरित्र अधिक नारीवाद एजेंसी की ओर से अपनी स्रोत सामग्री और पहले के रूपांतरों में से अलग जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमोल पारेकर जी ने, और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है संध्या गोखले ने, और इस फिल्म की कहानी लिखी है विजय दान देत्था और संध्या गोखले और अमोल पारेकर जी ने। ये मूवी आधारित है विजय दान देत्था द्वारा। इसे अभिनीत किया है शाहरुख खान, रानी मुखर्जी जी ने। वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक जी, और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्र ने, और इस फिल्म में सारांश दिया है अमिताभ शुक्ला ने, स्टीवन एच वनार्ड ने। इस फिल्म में संगीत स्कोर दिया है MMA कीरावानी, और स्कोर है आदेश श्रीवास्तव जी का। उत्पादन कंपनी है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म को उत्पादित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 जून सन 2005 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 140 मिलियन का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 320 मिलियन का। तो नवे रीजन का उद्घाटन हरारे के लिबर्टी सिनेमा कॉम्प्लेक्स जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। इसमें
डांस फिल्म फेस्टिवल और फ्रांस स्पिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोनों को भी चित्रित किया गया था। फिल्म का कार्यकारी शीर्षक घोस्ट का फ्रेंड अनुवादित है। फ्रेंड ऑफ ए घोस्ट था जो पहली सन 1979 के अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्राथमिकता थी। रीजन 24 जून 2005 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यावसायिक सफलता हासिल हुई थी, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की और इसे आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली और इसे मिलीजुली रिव्यू द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफर, ड्रेस और विशेष सामानों की प्रशंसा की गई थी। हालांकि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट की आलोचना भी मिली थी। तो 91 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पहली को 2 नामांकित प्राप्त हुए थे, सर्वश्रेष्ठ गीतकार दारा जलना के लिए गुलजार जी को और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका दारा जलना के लिए सोनू निगम जी को। 53वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से फिल्म सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता था सेरा घोषाल दारा जलान के लिए। तो फिल्म की कहानी को 2 कठपुतलियों द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें नसरुद्दीन सार और रत्ना पाठक साथ शामिल हैं और अपनी आवाज़ दी है। एक युवा राजस्थानी ग्रामीण लड़की लच्छी यानी कि रानी मुखर्जी की शादी दूर के गांव के अमीर व्यापारी भंवरलाल यानी कि अनुपम खेर के बेटे किशन यानी कि शाहरुख खान से होती है, जो अपने घर से तीर्थयात्रा समय पार्टी एक धर्मशाला आध्यात्मिक आवास में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहाँ वह एक भूत लच्छी को देखती हैं और उसे प्यार किया जाता है। उस रात बाद में यह पता चलता है कि किशन जो एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है, एक पूर्व निर्धारित शुभ तिथि पर एक नई दूर का व्यवसाय शुरू करने की अपने पिता की इच्छा का सम्मान जो अगले दिन होता है, किशन अपना बही खाता पूरा करने के लिए रात में अपनी पत्नी से दूर हो जाता है और सुबह सुबह एक व्यवसाय की यात्रा जो 5 साल तक चलती है। लच्छी टिकाऊ हो गई और गजोरबो बाई यानी कि जूही चावला उनकी पत्नी की मौसी उन्हें सुंदरलाल कहते हैं, इस आधार पर सहानुभूति व्यक्त की और गजरोबाई के पति सुंदरलाल यानी कि सुनील शेट्टी भी खो गए हैं। अगले दिन भूत भंवरलाल के घर प्रकट होता है, जो लक्ष्मी के प्रति अपनी शिकायत के कारण किशन का रूप और आवाज़ देता है। तो घर में सबके सामने किशन का नाटक करने के बावजूद भूत रात में लच्छी को होने वाली अपनी असली पहचान है। इस प्रकार लच्छी को भूत के रूप में अपनी सभी आपत्तियों के बीच एक शैतान का सामना करना पड़ता है, जो उसके व्यवसायिक पति के रूप में लिया गया था। ये किशन के इस नए उचक्के मैजिक सामाजिक लग्जरी संस्करण को अपना मालिक है। किशन के रूप में भूत असली किशन के परिवार के सभी लोगों से दोस्ती करते हैं और भंवरलाल को जादुई संभावित आभूषण सोने के सिक्के खुश होकर प्रस्ताव रखते हैं। उसका एकमात्र दूत भोज यानी कि राजपाल यादव के साथ व्यवहार करना है, जो इस विचार से हैरान है कि किशन ने एक पत्र भेजा है जिसमें व्यवसायिक यात्रा से केवल अपने घर में इसे प्राप्त करने के लिए जब जो किशन के रूप में प्रकट होता है उसे अपना एक गिलास पानी नहीं देता तो वो नाराज हो जाता है। लच्छी और भूत 4 साल तक एक साथ आनंद और निर्भय रहे। इस दौरान वो अपने मुस्लिम लोगों से भी खुशी रही और परिवार और गांव की समस्याओं का समाधान किया। फिर लच्छी भूत के बच्चे से गर्भवती हो जाती है और असली किशन यह देखने के लिए लौटता है कि क्या उसकी पत्नी गर्भावस्था के बारे में अफवाहें सच हैं या गलत। वो भूत को अपने किशन के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए उसी समय लौटती है जब लच्छी प्रारंभिक होती है। प्रसव पीड़ा में और एक बेटी लूनिमा का जन्म हुआ। किशन का परिवार ये निर्धारित करने में असमर्थ है कि हम शक्लों से कौन असली किशन। भूत विचारधारा करने से इनकार कर रहा है। उन्होंने राजा से मिलने का फैसला किया ताकि वह बोल सके। इस बीच सुंदरलाल भी घर लौटता है और गजरोबाई से लंबे समय तक अचानक गायब होने के लिए माफ़ी मांगता है और अपने परिवार से मिल जाता है। किंग के रास्ते में किशन का परिवार एक स्कूल चरवाहे गडरिया यानी कि अमिताभ बच्चन के सामने से जो असली किशन के 3 परीक्षण उनकी मदद करता है, वो सबसे कहता है कि को भंवरलाल का असली बेटा साबित करना चाहता है, जो समय पर अपनी कर सकता है भेड़ों को इकट्ठा होकर वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित कर सकता है और जो उसका है पानी की बोतल में प्रवेश कर सकता है वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित करेगा। खुद को दुल्हन का असली प्रेमी साबित करना चाहते हैं। किशन पहले 2 प्रदर्शनों को करने की पूरी कोशिश करता है, जिसे भूत देखने की जहमत भी नहीं मिलती। जब गडरिया ने कहा कि दुल्हन का असली प्रेमी तो भूत
तीसरा असंभव कर्तव्य करता है और लच्छी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए पानी की बोतल में प्रवेश करता है। इस प्रकार असली किशन का पता चलता है और गडरिया जल्दी से अपनी बोतल बंद कर देता है ताकि भूत शामिल हो सके। इस रहस्योद्घाटन के बाद असली किशन बोतल को रेगिस्तान के बीचों बीच में खाना दिया जाता है और सभी लोग घर लौट जाते हैं। लच्छी भूत की मौत से टूट जाती है। अंत में यह पता चलता है कि भूत की बोतल से भाग गया है और अब उसके साथ किशन के शरीर पर रहना है, कब्जा कर लिया है। जबकि लच्छी अपने पति के सामने यह स्वीकार करने की कोशिश करती है कि भूत ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया है। भूत लच्छी को वो नाम की याद दिलाकर उनकी पहचान सामने आती है जो वो मूल रूप से अपनी बेटी को देने जा रहे थे। इस प्रकार लच्छी अपने असली पति और अपने भूत प्रेमी दोनों के साथ एक ही शरीर में खुशी से बनी रहती है। कठपुतलियाँ यह कहते हुए कहा जाता है कि यह एक बहुत पुरानी कहानी है जो लोक कथा है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो किशन लाल प्रेम भूत के रूप में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में हैं, रानी मुखर्जी के रूप में लच्छी जी हैं, किशन के पिता भवन लाल के रूप में अनुपम खेर हैं, कमली के रूप में आदित्य गोवित्र कर हैं और भोजा के रूप में राजपाल यादव हैं, भवन लाल के भाई कंवर लाल दिलीप प्रभाकर के रूप में हैं, सरवरी जामिनिस किशन लाल की बहन राखमा के रूप में हैं, किशन की चचेरी बहन अनुसुईया के रूप में पलक जैन हैं जो बाल कलाकार के रूप में हैं, जीवराज के रूप में ए.के. हंगल हैं और पुरुष कठपुतली के रूप में नसरुद्दीन शाह हैं, महिला कठपुतली के रूप में रत्ना पाठक शाह हैं, गडरिया के रूप में अमिताभ बच्चन हैं और गजरोबाई के रूप में जूही चावला हैं, किशन के भाई सुंदरलाल के रूप में सुनील अरोड़ा हैं, भूत के रूप में स्टूडियो शेखर हैं। सन 2004 में पलेकर सुनवाई के लिए शाहरुख खान के साथ गए हैं। स्क्रिप्ट सुनाने के बाद शाहरुख खान ने पलेकर से पूछा कि वो इसका निर्माण क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अभिनय भी कर सकते हैं। शाहरुख खान के अनुसार रिडल एक वुमेन लिबरेशन फिल्म है जो विवाह के उद्देश्य के रूप में निरूपित होती है और प्रश्न करती है कि एक महिला को केवल विवाह के कारण किसी पुरुष के साथ रहना चाहिए, प्रेम के कारण नहीं। रिडल की पूरी शूटिंग 45 दिन की अवधि में राजस्थान झुंझुनू जिले में की गई थी। रेगिस्तान में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का एक दृश्य मुंबई में एक हेलीपैड पर फिल्माया गया था। टोडरा सिंह ने हड़ी रानी कुंड का एक दृश्य अक्षर चांद बावड़ी के साथ मिसयूज में फिल्माया गया था। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो 79वीं अकादमी पुरस्कार पहली भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है और कहा कि कुल मिलाकर रिजल हाल के दिनों में बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस तरह की फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि हमें बाहरी लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। हॉलीवुड पढ़ें, जब भारतीय सत्य इतना समृद्ध है कि हमें मनोरम कहानियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो redpi.com से राजा सेन ये भी किताबी एक कथा और कहानी है जिसमें सबसे पहली बात यह बहुत लंबे समय से अच्छी दिखने वाली भारतीय फिल्म है और अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से शामिल है। तो पलेकर ने एक नए मनोरम परिकथा तैयार की जो आकर्षक रूप से अच्छी है और रवि के अनुभव और उसी से यह फिल्म का बहुत ही प्रारंभिक दृश्य जो स्पष्ट है मछली की पट्टिका में हमें स्वीकार कर देती है और इसे redpi.com ने 2005 की 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया है और तीसरा स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो रिडल ने अपने उद्घाटन के दौरान 90% आरकूपेसी का आकलन किया था। फिल्म की भारत में कुल कमाई 187.5 मिलियन, US 2.3 मिलियन और विदेशी बाजारों में अतिरिक्त US 3.63 मिलियन है। इस भारत में औसत लेकिन विदेश में हिट करार दिया गया है। ये आपके वितरकों के लिए एक सुरक्षित और मूल्यवान उद्यम साबित हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का साउंड ट्रैक गुलजार के सुर के साथ MM की रामानी द्वारा रचित एवं निर्मित किया गया है। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को जारी किया गया था। गाना दारा जलना ओकारिकी ओकारू 2003 के नदीरा ढिन्ना पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दारा जलना, इसे गाया है सोनू निगम श्रेया घोषाल जी ने। नंबर 2 कंगना रे, इसे श्रेया घोषाल और मधु श्रीबेला और सेंडे
कलापिनी ने गाया है, कोमाली स्तूप निगम ने गाया है। नंबर 3 खाली है, इसे हरिहरन बेला सेंडे ने गाया है। नंबर 4 लगा रे जल्ला लगा, इसे गाया है डेरी किरावनी और सप्लायर कॉपरेशन श्रुति संडोलीकर ने। नंबर 5 मंत्रालय करे, इसे गाया है श्रेया घोषाल मधुश्री बेला सेंडे ने। नंबर 6 फिर रात बिल्ली, इसे सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 7 फिर रात बिल्ली रिमिक्स, इसे सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 8 दारा जलना वादे, इसे गाया है सुनिधि चौहान सुखमित्र सिंह ने। संगीत लेवल टी सीरीज का है। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो हिंदी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म बियर फूल 1996 से अपनी स्क्रीन की शुरुआत की, और उनकी पहली प्रमुख भूमिका सन 1996 के सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में एक बाल कलाकार के रूप में अपने रोल को निभाया था। सन 1998 में उन्हें एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ उनकी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली थी, और रोमांटिक ड्रामा कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान के रोमांटिक किरदार के रूप में उन्हें सफलता मिली। और बाद वाले ने रानी मुखर्जी को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में। इसके बाद उन्होंने हेलो ब्रदर सन 1999 और नायक द रियल हीरो 2001 और सहित कई फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जिनमें से किसी ने भी उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद नहीं की। तो रानी मुखर्जी के करियर की संभावनाएं 2002 में बेहतर हुई जब उन्होंने यशराज फिल्म की साथिया में अभिनय किया था, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया था। सन 2004 की रोमांटिक कॉमेडी हम तुम और मिश्रित ड्रामा युवा में अपनी भूमिकाओं के लिए रानी मुखर्जी एक ही वर्ष में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई थी। इसके अलावा उस वर्ष उन्होंने वीर जारा में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2005 में उन्हें नाटक ब्लैक में एक अंधी बहरी और गूंगी महिला का किरदार निभाने के लिए प्रशंसाएं मिली थी, और अपराध कॉमेडी फिल्म बंटी और बबली में एक ठग महिला की भूमिका निभाई थी। ब्लैक में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने नाटक कभी अलविदा ना कहना में एक नाखुश विवाहित महिला की भूमिका निभाई, जो उस समय विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। आर्थिक रूप से सफल नाटक ताराराम पम पम 2007 में एक प्रमुख भूमिका के साथ रानी मुखर्जी ने अगले 2 वर्षों तक मुख्य रूप से यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्मों में अभिनय किया था। इसी में किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके बाद वो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो डांस प्रीमियम लीग 2009 में टैलेंट जज के रूप में नजर आई थी, और 2011 की थ्रिलर नो वन किल्ड जोशिका में एक जिद्दी टेलीविजन रिपोर्टर की भूमिका ने उन्हें फिल्म फेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की ट्रॉफी दिलाई थी। और ये फिल्म 4 वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली सफलता साबित हुई थी, और 2012 में उन्होंने अलौकिक थ्रिलर तलाश में द आंसर लाइज विद इन में एक दुखी माँ की भूमिका निभाई थी, और सन 2014 में वो क्राइम थ्रिलर मर्दानी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई दी थी। 4 साल के अंतराल के बाद रानी मुखर्जी ने हिचकी 2018 में टैरेंट सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्मों में से शुमार है। उन्होंने अगली कड़ी मर्दांगनी 2 2019 में अपनी भूमिका दोहराई, जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। सन 2023 में उन्होंने एक ऐसी महिला के वास्तविक जीवन के चरित्र के रूप में अभिनय किया था, जिससे उनके बच्चों को ले जाया गया था। मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे नाटक में नार्वेजियन बाल कल्याण सेवाएं, जो एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी थी। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ साथ जूही चावला ने भी अपने रोल को बखूबी प्ले किया था। तो जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली और तमिल और मलयालम फिल्मों के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करती हैं। मिस इंडिया 1984 पेजेंट की विजेता रही हैं। उन्होंने सन 1986 में एक संतलत से अभिनय की शुरुआत की, और उनकी पहली व्यावसायिक सफलता ब्लैक बस्टर कन्नड़ फिल्म प्रेम लोग सन 1987 में थी। उन्होंने लक्स यू न्यू फेम ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, और महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता कयामत से कयामत तक के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित प्रदान किया था। सन 1988 में जिसने उन्हें रातों रात स्टार के रूप में स्थापित कर दिया था,
वो अमर प्रेम सन 1989, बिक्की दादा सन 1989, लव 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 1989, प्रतिबंध 1990, स्वर्ग 1990, बेनाम बादशाह 1991 में, बोल राधा बोल सन 1992 में जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पाई है और राजू बन गया जेंटलमैन सन 1992 और उनमें से अधिकांश सफल साबित हुई हैं। सन 1993 तक हम हैं राही प्यार के सन 1993 में अभिनय करके वो बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बन गई थी, जिसने उन्हें एक हास्य अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। लुटेरे सन 1993 जिसने उन्हें उनके सौंदर्य और मानकों को स्थापित किया था और पारिवारिक नाटक आईना सन 1993 और डर सन 1993 जिसने उनकी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित किया और ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी और जूही चावला के अभिनय करियर को बॉलीवुड में स्थापित किया था। उन्होंने अंदाज 1994 और साजन का घर 1994 में, राम जानी 1995 में, नाजायज 1995 में, लोफर 1996 में, दीवाना मस्ताना 1997 में, यश बॉस सहित कई फिल्मों में अभिनय करके अपना और उनमें से अधिकांश आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी। उन्हें कयामत से कयामत तक सन 1988 में, स्वर्ग 1990 में, बोल राधा बोल 1992 में, आईना में उनके काम के लिए प्रशंसाएं मिली थी और 1993 में लुटेरे, 1993 में डर, 1993 में हम हैं राही प्यार के, 1993 में राम जाने और 1995 में दरार, 1996 में यस बॉस, 1997 में इश्क और 1997 में दीवाना मस्ताना, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में सात रंग के सपने, 1998 में अर्जुन पंडित, 1999 में इनकार बीट्स, 2003 में तीन दीवारें, 2003 में साढ़े सात फेरे, 2005 में माय ब्रदर निखिल, 2005 में बस एक पाल, 2006 में स्वामी, 2007 और आई एम, 2011 और भूतनाथ, 2008 में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसाएं मिली थी जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। 2008 में उनकी एक और रिलीज कॉमेडी ड्रामा क्रेजी 4 2008 थी जो मध्यम सफलता थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रशंसाएं मिली और सन 1999 में जूही चावला ने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ सहयोग किया और उनके साथ अपनी खुद प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम ड्रीम अनलिमिटेड रखा गया था। उनका पहला प्रोडक्शन वेंचर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 था जो साल की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही। इसके बाद अशोका 2001 आई जो भी व्यावसायिक विफलता थी, यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। एक झटके के लिए जिम्मेदार ठहराया ड्रीम अनलिमिटेड द्वारा निर्मित आखिरी पिक्चर फिल्म चलते चलते 2003 भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इसके बाद श्रमिकों के बीच संघर्ष के कारण वे अलग हो गए थे। जूही चावला ने सन 1980 के दशक के अंत में 2000 के दशक की शुरुआत तक बॉलीवुड की सबसे सफल और अग्रणी महिला सितारों में से एक थी और उन्होंने फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई प्रशंसाएं हासिल की हैं और एक हास्य अभिनेत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आलोचकों ने विशेष रूप से उनकी हास्य क्षमता और उनकी टाइमिंग की सराहना की है। उनकी कई फिल्में जिनमें उन्होंने मजेदार भूमिकाएं निभाई और सफल रही थी, हम हैं राही प्यार के सन 1993 में, लोफर 1996 में और इश्क 1997 में। उदाहरण के लिए कुछ नाम 2000 के दशक की परिस्थितियों को चिन्हित करने के लिए यथार्थवादी तरीकों से जूही चावला ने आर्ट हाउस फिल्मों में रुचि विकसित करना शुरू कर दिया था और उन्हें लगा कि कलाकार के रूप में चुनौतीपूर्ण थी। इस दौरान मुख्यधारा की फिल्मों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी, इसके लिए उन्होंने झनकार बीट्स 2003, तीन दीवारें 2003, माय ब्रदर निखिल 2005 और सात फेरे 2005, बस एक पल जैसी कई गौर व्यावसायिक फिल्मों की 2006 में, स्वामी 2007 और आई एम 2011, इन सभी से उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और एक अभिनेत्री के रूप में उन्हें संतुष्ट महसूस हुआ था। ये कहानी 2005 में पहली फिल्म के रूप में अमोल पालेकर द्वारा फिल्माई गई जिसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थी। एक मानवीय दुर्दशा को इतनी दृढ़ता से चित्रित किया गया था कि हम अपने पढ़ने की धीमा कर देते हैं, स्थिति की जटिलता का स्वाद लेना चाहते हैं। इस कहानी में एक महिला की दुविधा का वर्णन किया गया है जिसमें वो खुद को असाधारण प्यार को अस्वीकार करने की स्थिति में आ जाती हैं और साथ ही साथ एक व्यावसायिक मानसिकता को भी दर्शाती हैं। तो द डिप्लोमा में भूत को पता चलता है कि वो इतनी कठिन स्थिति में हैं कि उन्हें सत्य और असत्य के बीच की बारीक धारा पर उतनी ही कुशलता से चलना है जितना कि स्वयं बुद्धिमान युधिष्ठिर को चलना पड़ा था। इस
कहानी में हर किरदार अपनी एक दुविधा से जूझ रहा है, चाहे वो दुल्हन हो, भूत हो या व्यापारी, पति हो या भूत की मनमन गति या की दिशा को एक भूत होकर भी उसे बनो एक मनुष्य से प्यार हो जाता है और वो उसे हासिल करना चाहता है। एक दुल्हन जिसे अपने पति से प्रेम करना चाहिए पर उस भूत से प्यार कर बैठती है जो कभी उसे हासिल हो ही नहीं सकता, और एक पति जो जिसके प्यार करने के लिए उसे ही छोड़कर जाना पड़ता है और जब उसे पाना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो किसी और से प्यार करने लगती है। तो कहानी शुरू होती है एक नवविवाहित जोड़ी जो दुल्हन विदा करा के अपने गांव लौट रहा होता है। एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं जहां एक भूत रहता है। भूत लड़की की सुंदरता से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे उससे प्यार हो जाता है। अजीब बात यह है कि पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ ऐसा अनुभव करा रहा हो। अपने समुदाय की व्यावसायिक मानसिकता में इंसाफ इतना पहली फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर और राइटर अमोल पालेकर ने हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान दिया है। अमोल पालेकर के निर्देशन में बनी पहली भारत की तरफ से 19वें ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री थी। इस फिल्म को देश में दर्शकों ने तो कुछ खास पसंद नहीं किया था लेकिन इस क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कहानी से लेकर अभिनय तक सब कुछ जमकर तारीफ की थी। हाल ही में अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में अपनी इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प खुलासे किए हैं। हैडली लेमर की समीक्षा में भूत प्रेत ऊंट दौड़ जीवंत और अक्सर टकराने वाले रंग दिव्य संगीत मासूमियत और प्यार के साथ बहुत पहले के समय की एक परी कथा है। ऐसा क्या पसंद नहीं था? रानी एक युवा महसूस करती है कि मैं एक दुल्हन हूँ, जो मैं मासूम हूँ, मेरा नाम लच्छी है, जिसकी शादी हो जाती है और वो अपने नए घर की यात्रा पर निकल पड़ती है। शाहरुख खान एक आज्ञाकारी दूल्हा है किसे ने अपने प्रेम के प्रति जुनूनी है, जिसे शादी के तुरंत बाद व्यवसाय के लिए दूर शहर जाना पड़ता ही है। भूत एक पक्षी, एक गिलहरी, एक प्रेत है जिसे दुल्हन से प्यार हो जाता है और अंततः उसके जाने पर दूल्हे का रूप धारण कर लेता है। नई दुल्हन और दूल्हे के साथ तब तक सब ठीक है जब वो असली लड़के को अपनी दुल्हन याद नहीं आती। जब याद आती है तो वो अपने घर आने का फैसला कर लेता है। भ्रम की स्थिति बनी रहती है और असली किसान कौन है, इस पहेली को एक चरवाहे द्वारा सुलझाया जाता है। अमिताभ बच्चन ने स्पष्ट रूप से शीर्षक अभिनय वाली कैमियों में अच्छी रानी दिव्या है जो चतुराई से उसके हल्के हाथ से दिखाती है और भूमिका वो अपार परंपरागत विकल्प चुनती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता को पहली ज़्यादा पसंद नहीं आई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। आधी रात जब चांद ढले अद्भुत प्रदर्शन किया, शाहरुख खान दो गुना और दोनों रूपों से अच्छा प्रदर्शन। किसी को आश्चर्य होता है कि अगर हम अपनी 5 इंद्रियों को हल्के में ले लें और लंबे समय तक उनका बिल्कुल भी अनुभव ना करना चाहें तो कैसा होगा। शाहरुख खान को एक भूत के रूप में देखे, एक माँ के पहले स्पर्श से उसके चेहरे पर आश्चर्य सुंदर और घर को देखना, बच्चों भाई बहन भतीजे के साथ खेलने में खुशी, यह जानने के लिए किसके रूप में शाहरुख खान को अंततः एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा है, यह तब तक सबसे कम दुख है जब पोशाकें अद्भुत हैं। देवदास में वेशभूषा पर बहुत कुछ बनाया गया है लेकिन ये प्रामाणिक राजस्थान है जो सबसे अच्छे और सबसे संगीन रूप से आभूषण किसी भी महिला को मदहोश कर देते हैं। संगीत द्रव्य, आधी रात, धीरे जलना, उत्कृष्ट संख्याएं, मेरी राय में बुरा भला बहुत कम हो सकता है। जब मैं उन्हें अब पानी मिले तो नृत्य बंद कर दिया लेकिन फिर भी फिल्म बहुत छोटी थी, ऊंट दौड़ थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप परिकथा शैली को ध्यान में रखते तो शायद ठीक है। तार्किक खामियां, चलो आखिरकार यह एक परिकथा है, जैसे भूत प्रेत और परियों में कोई तर्क होता है। कहानी के साथ साथ अपने बचपन में वापस चला गया, रंगों और संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया, भूत किसान और रच्छी के चित्रण का बहुत आनंद लिया। अनुपम खेर एक लालची पिता की भूमिका में अच्छे लगे और निश्चित रूप से वो शानदार जूही चावला थी। मैंने उसे दुखी चाची के रूप में एक कैमियों के रूप में कभी नहीं देखा था। कुछ शब्द कहे गए थे, उसने यह सब अपनी आंखों के सामने किया। कृपया वापस आ जाओ जूही, हम तुम्हें याद करते हैं।
तो पहली एक प्रेम कहानी के रूप में छिपी महिला अधिकारों के विशेष एक असामान्य फिल्म है, जो यह मूल रूप से एक युवा महिला लच्छी यानी कि रानी मुखर्जा की कहानी है, जिसे उसके पति किशन यानी कि शाहरुख खान ने शादी के अगले दिन छोड़ दिया, और एक आत्मा जिसे लच्छी से प्यार हो जाता है, जब वो घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति 5 साल के लिए दूर रहेगा, और इसीलिए वो किशन का रूप धारण कर लेती है और अगले 4 वर्षों तक लच्छी के साथ रहती है। आखिरकार निश्चित रूप से पति लौट आता है। स्रोत सामग्री और पहले के रूपांतरों में से अलग जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमोल पारेकर जी ने, और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है संध्या गोखले ने, और इस फिल्म की कहानी लिखी है विजय दान देत्था और संध्या गोखले और अमोल पारेकर जी ने। ये मूवी आधारित है विजय दान देत्था द्वारा। इसे अभिनीत किया है शाहरुख खान, रानी मुखर्जी जी ने। वर्णन करता है नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक जी, और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्र ने, और इस फिल्म में सारांश दिया है अमिताभ शुक्ला ने, स्टीवन एच वनार्ड ने। इस फिल्म में संगीत स्कोर दिया है MMA कीरावानी, और स्कोर है आदेश श्रीवास्तव जी का। उत्पादन कंपनी है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म को उत्पादित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 जून सन 2005 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 140 मिलियन का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 320 मिलियन का। तो नवे रीजन का उद्घाटन हरारे के लिबर्टी सिनेमा कॉम्प्लेक्स जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। इसमें डांस फिल्म फेस्टिवल और फ्रांस स्पिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोनों को भी चित्रित किया गया था। फिल्म का कार्यकारी शीर्षक घोष्ट का फ्रेंड अनुवादित है, फ्रेंड ऑफ ए घोष्ट था, जो पहली सन 1979 के अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्राथमिकता थी। रीजन 24 जून 2005 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यावसायिक सफलता हासिल हुई थी, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की, और इसे आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली, और इसे मिली जुली रिव्यू द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफर, ड्रेस और विशेष सामानों की प्रशंसा की गई थी। हालांकि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट की आलोचना भी मिली थी। तो 91 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पहली को 2 नामांकित प्राप्त हुए थे, सर्वश्रेष्ठ गीतकार दारा जलना के लिए गुलजार जी को, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका दारा जलना के लिए सोनू निगम जी को। 53वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से फिल्म सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता था सेरा घोषाल दारा जलान के लिए। तो फिल्म की कहानी को 2 कठपुतलियों द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक साथ शामिल हैं और अपनी आवाज़ दी है। एक युवा राजस्थानी ग्रामीण लड़की लच्छी यानी कि रानी मुखर्जी की शादी दूर के गांव के अमीर व्यापारी भंवरलाल यानी कि अनुपम खेर के बेटे किशन यानी कि शाहरुख खान से होती है, जो अपने घर से तीर्थयात्रा समय पार्टी एक धर्मशाला आध्यात्मिक आवास में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहाँ वह एक भूत लच्छी को देखती हैं और उसे प्यार किया जाता है। उस रात बाद में यह पता चलता है कि किशन, जो एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है, एक पूर्व निर्धारित शुभ तिथि पर एक नई दूर का व्यवसाय शुरू करने की अपने पिता की इच्छा का सम्मान, जो अगले दिन होता है। किशन अपना बही खाता पूरा करने के लिए रात में अपनी पत्नी से दूर हो जाता है, और सुबह सुबह एक व्यवसाय की यात्रा जो 5 साल तक चलती है। लच्छी टिकाऊ हो गई और गजोरबो बाई यानी कि जूही चावला, उनकी पत्नी की मौसी, उन्हें सुंदरलाल कहते हैं, इस आधार पर सहानुभूति व्यक्त की, और गजरो बाई के पति सुंदरलाल यानी कि सुनील शेट्टी भी खो गए हैं। अगले दिन भूत भंवरलाल के घर प्रकट होता है, जो लच्छी के प्रति अपनी शिकायत के कारण किशन का रूप और आवाज़ देता है। तो घर में सबके सामने किशन का नाटक करने के बावजूद भूत रात में लच्छी को होने वाली अपनी असली पहचान है। इस प्रकार लच्छी को भूत के रूप में अपनी सभी आपत्तियों के बीच एक शैतान का सामना करना पड़ता है, जो उसके व्यवसायिक पति के रूप में लिया गया था। ये किशन के इस नए उचक्के मैजिक सामाजिक लग्जरी संस्करण को अपना मालिक है। किशन के रूप में भूत असली किशन के परिवार के सभी लोगों से दोस्ती करते हैं, और भंवरलाल को जादुई संभावित आभूषण सोने के सिक्के खुश होकर प्रस्ताव रखते हैं। उसका एकमात्र दूत भोज यानी कि राजपाल यादव के साथ व्यवहार करना है, जो इस विचार से हैरान है कि किशन ने एक पत्र भेजा है जिसमें व्यवसायिक यात्रा से केवल अपने घर में इसे प्राप्त करने के लिए, जब जो किशन के रूप में प्रकट होता
है, उसे अपना एक गिलास पानी नहीं देता तो वो नाराज हो जाता है। लच्छी और भूत 4 साल तक एक साथ आनंद और निर्भय रहे। इस दौरान वो अपने मुस्लिम लोगों से भी खुशी रही और परिवार और गांव की समस्याओं का समाधान किया। फिर लच्छी भूत के बच्चे से गर्भवती हो जाती है और असली किशन यह देखने के लिए लौटता है कि क्या उसकी पत्नी गर्भावस्था के बारे में अफवाहें सच हैं या गलत। वो भूत को अपने किशन के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए उसी समय लौटती है जब लच्छी प्रारंभिक होती है। प्रसव पीड़ा में और एक बेटी लूनिमा का जन्म हुआ। किशन का परिवार ये निर्धारित करने में असमर्थ है कि हम शक्लों से कौन असली किशन। भूत विचारधारा करने से इनकार कर रहा है। उन्होंने राजा से मिलने का फैसला किया ताकि वह बोल सके। इस बीच सुंदरलाल भी घर लौटता है और गजरोबाई से लंबे समय तक अचानक गायब होने के लिए माफ़ी मांगता है और अपने परिवार से मिल जाता है। किंग के रास्ते में किशन का परिवार एक स्कूल चरवाहे गडरिया यानी कि अमिताभ बच्चन के सामने से जो असली किशन के 3 परीक्षण उनकी मदद करता है। वो सबसे कहता है कि को भंवरलाल का असली बेटा साबित करना चाहता है जो समय पर अपनी कर सकता है। भेड़ों को इकट्ठा होकर वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित कर सकता है और जो उसका है पानी की बोतल में प्रवेश कर सकता है वो खुद को दुल्हन का असली पति साबित करेगा। खुद को दुल्हन का असली प्रेमी साबित करना चाहते हैं। किशन पहले 2 प्रदर्शनों को करने की पूरी कोशिश करता है जिसे भूत देखने की जहमत भी नहीं मिलती। जब गडरिया ने कहा कि दुल्हन का असली प्रेमी तो भूत 3रा असंभव कर्तव्य करता है और लच्छी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए पानी की बोतल में प्रवेश करता है। इस प्रकार असली किशन का पता चलता है और गडरिया जल्दी से अपनी बोतल बंद कर देता है ताकि भूत शामिल हो सके। इस रहस्योद्घाटन के बाद असली किशन बोतल को रेगिस्तान के बीचों बीच में खाना दिया जाता है और सभी लोग घर लौट जाते हैं। लच्छी भूत की मौत से टूट जाती है। अंत में यह पता चलता है कि भूत की बोतल से भाग गया है और अब उसके साथ किशन के शरीर पर रहना है, कब्जा कर लिया है। जबकि लच्छी अपने पति के सामने यह स्वीकार करने की कोशिश करती है कि भूत ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया है। भूत लच्छी को वो नाम की याद दिलाकर उनकी पहचान सामने आती है जो वो मूल रूप से अपनी बेटी को देने जा रहे थे। इस प्रकार लच्छी अपने असली पति और अपने भूत प्रेमी दोनों के साथ एक ही शरीर में खुशी से बनी रहती है। कठपुतलियाँ यह कहते हुए कहा जाता है कि यह एक बहुत पुरानी कहानी है जो लोक कथा है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो किशन लाल प्रेम भूत के रूप में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में हैं। रानी मुखर्जी के रूप में लच्छी जी हैं। किशन के पिता भवन लाल के रूप में अनुपम खेर हैं। कमली के रूप में आदित्य गोवित्र कर हैं और भोजा के रूप में राजपाल यादव हैं। भवन लाल के भाई कंवर लाल दिलीप प्रभाकर के रूप में हैं। सरवरी जामिनिस किशन लाल की बहन राखमा के रूप में हैं। किशन की चचेरी बहन अनुसुईया के रूप में पलक जैन हैं जो बाल कलाकार के रूप में हैं। जीवराज के रूप में एके हंगल हैं और पुरुष कठपुतली के रूप में नसरुद्दीन शाह हैं। महिला कठपुतली के रूप में रत्ना पाठक शाह हैं। गडरिया के रूप में अमिताभ बच्चन हैं और गजरोबाई के रूप में जूही चावला हैं। किशन के भाई सुंदरलाल के रूप में सुनील अरोड़ा हैं। भूत के रूप में स्टूडियो शेखर हैं। सन 2004 में पलेकर सुनवाई के लिए शाहरुख खान के साथ गए हैं। स्क्रिप्ट सुनाने के बाद शाहरुख खान ने पलेकर से पूछा कि वो इसका निर्माण क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अभिनय भी कर सकते हैं। शाहरुख खान के अनुसार रिडल एक वुमेन लिबरेशन फिल्म है जो विवाह के उद्देश्य के रूप में निरूपित होती है और प्रश्न करती है कि एक महिला को केवल विवाह के कारण किसी पुरुष के साथ रहना चाहिए, प्रेम के कारण नहीं। रिडल की पूरी शूटिंग 45 दिन की अवधि में राजस्थान झुंझुनू जिले में की गई थी। रेगिस्तान में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का एक दृश्य मुंबई में एक हेलीपैड पर फिल्माया गया था। टोडरा सिंह ने हड़ी रानी कुंड का एक दृश्य अक्षर चांद बावड़ी के साथ मिसयूज में फिल्माया गया था। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो 79वीं अकादमी पुरस्कार पहली भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे
5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है और कहा है कि कुल मिलाकर रिजल हाल के दिनों में बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस तरह की फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि हमें बाहरी लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। हॉलीवुड पढ़ें, जब भारतीय सत्य इतना समृद्ध है कि हमें मनोरम कहानियाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो redpi.com से राजा सेन ये भी किताबी एक कथा और कहानी है, जिसमें सबसे पहली बात यह है बहुत लंबे समय से अच्छी दिखने वाली भारतीय फिल्म है और अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से शामिल है। तो पलेरकर ने एक नए मनोरम परिकथा तैयार की जो आकर्षक रूप से अच्छी है और रवि के अनुभव और उसी से यह फिल्म का बहुत ही प्रारंभिक दृश्य जो स्पष्ट है मछली की पट्टिका में हमें स्वीकार कर देती है। और इसे redpi.com ने 2005 की 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया है और तीसरा स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो रिडल ने अपने उद्घाटन के दौरान 90% आरकूपेसी का आकलन किया था। फिल्म की भारत में कुल कमाई 187.5 मिलियन, US 2.3 मिलियन और विदेशी बाजारों में अतिरिक्त US 3.63 मिलियन है। इस भारत में औसत लेकिन विदेश में हिट करार दिया गया है। ये आपके वितरकों के लिए एक सुरक्षित और मूल्यवान उद्यम साबित हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का साउंड ट्रैक गुलजार के सुर के साथ MM की रामानी द्वारा रचित एवं निर्मित किया गया है। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को जारी किया गया था। गाना दारा जलना ओकारू 2003 के नदीरा ढिन्ना पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दारा जलना, इसे गाया है सोनू निगम श्रेया घोषाल जी ने। नंबर 2 कंगना रे, इसे श्रेया घोषाल और मधु श्री बेला और सेंडे कलापिनी ने गाया है। कोमाली स्तूप निगम ने गाया है। नंबर 3 खाली है, इसे हरिहरन बेला सेंडे ने गाया है। नंबर 4 लगा रे जल्ला लगा, इसे गाया है डेरी किरावनी और सप्लायर कॉपरेशन श्रुति संडोलीकर ने। नंबर 5 मंत्रालय करे, इसे गाया है श्रेया घोषाल मधुश्री बेला सेंडे ने। नंबर 6 फिर रात बिल्ली, इसे सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 7 फिर रात बिल्ली रिमिक्स, इसे सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह ने गाया है। नंबर 8 दारा जलना वादे, इसे गाया है सुनिधि चौहान सुखमित्र सिंह ने। संगीत लेवल टी सीरीज का है। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो हिंदी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म बियर फूल 1996 से अपनी स्क्रीन की शुरुआत की और उनकी पहली प्रमुख भूमिका सन 1996 के सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में एक बाल कलाकार के रूप में अपने रोल को निभाया था। सन 1998 में उन्हें एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ उनकी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली थी और रोमांटिक ड्रामा कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान के रोमांटिक किरदार के रूप में उन्हें सफलता मिली और बाद वाले ने रानी मुखर्जी को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में। इसके बाद उन्होंने हेलो ब्रदर सन 1999 और नायक द रियल हीरो 2001 और सहित कई फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जिनमें से किसी ने भी उनके करियर को ब्लैक में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने नाटक कभी अलविदा ना कहना में एक नाखुश विवाहित महिला की भूमिका निभाई जो उस समय विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। आर्थिक रूप से सफल नाटक ताराराम पम पम 2007 में एक प्रमुख भूमिका के साथ रानी मुखर्जी ने अगले 2 वर्षों तक मुख्य रूप से यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्मों में अभिनय किया था। इसी में किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके बाद वो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो डांस प्रीमियम लीग 2009 में टैलेंट जज के रूप में नजर आई थी और 2011 की थ्रिलर नो वन किल्ड जोशिका में एक जिद्दी टेलीविजन रिपोर्टर की भूमिका ने उन्हें फिल्मफेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ
नायक अभिनेत्री की ट्रॉफी दिलाई थी और ये फिल्म 4 वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली सफलता साबित हुई थी। और 2012 में उन्होंने अलौकिक थ्रिलर तलाश में द आंसर लाइज विद इन में एक दुखी माँ की भूमिका निभाई थी और सन 2014 में वो क्राइम थ्रिलर मर्दानी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई दी थी। 4 साल के अंतराल के बाद रानी मुखर्जी ने हिचकी 2018 में टैरेंट सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी जो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्मों में से शुमार है। उन्होंने अगली कड़ी मर्दांगनी 2 2019 में अपनी भूमिका दोहराई जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। सन 2023 में उन्होंने एक ऐसी महिला के वास्तविक जीवन के चरित्र के रूप में अभिनय किया था जिससे उनके बच्चों को ले जाया गया था। मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे नाटक में नार्वेजियन बाल कल्याण सेवाएं जो एक स्लीपर हिट के रूप में उभरी थीं। पहली फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ साथ जूही चावला ने भी अपने रोल को बखूबी प्ले किया था। तो जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली और तमिल और मलयालम फिल्मों के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करती हैं। मिस इंडिया 1984 पेजेंट की विजेता रही हैं। उन्होंने सन 1986 में एक संतलत से अभिनय की शुरुआत की और उनकी पहली व्यावसायिक सफलता ब्लैक बस्टर कन्नड़ फिल्म प्रेम लोग सन 1987 में थी। उन्होंने लक्स यू न्यू फेम ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता कयामत से कयामत तक के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित प्रदान किया था। सन 1988 में जिसने उन्हें रातोंरात स्टार के रूप में स्थापित कर दिया था वो अमर प्रेम सन 1989, बिक्की दादा सन 1989, लव 1989, प्रतिबंध 1990, स्वर्ग 1990, बेनाम बादशाह 1991 में, बोल राधा बोल सन 1992 में जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पाई है और राजू बन गया जेंटलमैन सन 1992 और उनमें से अधिकांश सफल साबित हुई हैं। सन 1993 तक हम हैं राही प्यार के सन 1993 में अभिनय करके वो बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बन गई थी जिसने उन्हें एक हास्य अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। लुटेरे सन 1993 जिसने उन्हें उनके सौंदर्य और मानकों को स्थापित किया था और पारिवारिक नाटक आईना सन 1993 और डर सन 1993 जिसने उनकी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित किया और ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी और जूही चावला के अभिनय करियर को बॉलीवुड में स्थापित किया था। उन्होंने अंदाज 1994 और साजन का घर 1994 में, राम जानी 1995 में, नाजायज 1995 में, लोफर 1996 में, दीवाना मस्ताना 1997 में, यस बॉस सहित कई फिल्मों में अभिनय करके अपना स्टारडम जारी रखा और सन 1997 में इश्क, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में डुप्लीकेट, 1998 में और अर्जुन पंडित 1999 में और उनमें से अधिकांश आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी। उन्हें कयामत से कयामत तक सन 1988 में, स्वर्ग 1990 में, बोल राधा बोल 1992 में, आईना में उनके काम के लिए प्रशंसाएं मिली थी और 1993 में लुटेरे, 1993 में डर, 1993 में हम हैं राही प्यार के, 1993 में राम जाने और 1995 में दरार, 1996 में यस बॉस, 1997 में इश्क और 1997 में दीवाना मस्ताना, 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, 1997 में सात रंग के सपने, 1998 में अर्जुन पंडित, 1999 में इनकार बीट्स, 2003 में तीन दीवारें, 2003 में साढ़े सात फेरे, 2005 में माय ब्रदर निखिल, 2005 में बस एक पाल, 2006 में स्वामी, 2007 और आई एम, 2011 और भूतनाथ, 2008 में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसाएं मिली थी जो एक व्यावसायिक सफलता भी थी। 2008 में उनकी एक और रिलीज कॉमेडी ड्रामा क्रेजी 4 2008 थी जो मध्यम सफलता थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रशंसाएं मिली और सन 1999 में जूही चावला ने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ सहयोग किया और उनके साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम ड्रीम अनलिमिटेड रखा गया था। उनका पहला प्रोडक्शन वेंचर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 था जो साल की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही। इसके बाद अशोका 2001 आई जो भी व्यावसायिक विफलता थी यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। एक झटके के लिए जिम्मेदार ठहराया ड्रीम अनलिमिटेड द्वारा निर्मित आखिरी पिक्चर फिल्म चलते चलते 2003 भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही लेकिन इसके बाद श्रमिकों के बीच
संघर्ष के कारण वे अलग हो गए थे। जूही चावला ने सन 1980 के दशक के अंत में 2000 के दशक की शुरुआत तक बॉलीवुड की सबसे सफल और अग्रणी महिला सितारों में से एक थी और उन्होंने फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई प्रशंसाएं हासिल की हैं और एक हास्य अभिनेत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आलोचकों ने विशेष रूप से उनकी हास्य क्षमता और उनकी टाइमिंग की सराहना की है। उनकी कई फिल्में जिनमें उन्होंने मजेदार भूमिकाएं निभाई और सफल रही थी, हम हैं राही प्यार के सन 1993 में, लोफर 1996 में और इश्क 1997 में। उदाहरण के लिए कुछ नाम 2000 के दशक की परिस्थितियों को चिन्हित करने के लिए यथार्थवादी तरीकों से। जूही चावला ने आर्ट हाउस फिल्मों में रुचि विकसित करना शुरू कर दिया था और उन्हें लगा कि कलाकार के रूप में चुनौतीपूर्ण थी। इस दौरान मुख्यधारा की फिल्मों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी। इसके लिए उन्होंने झनकार विट्स 2003, तीन दीवारें 2003, माई ब्रदर निखिल 2005 और सात फेरे 2005, बस एक पल जैसी कई गौर व्यावसायिक फिल्मों की 2006 में, स्वामी 2007 और आई एम 2011। इन सभी से उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और एक अभिनेत्री के रूप में उन्हें संतुष्ट महसूस हुआ था। ये कहानी 2005 में पहली फिल्म के रूप में अमोल पालेकर द्वारा फिल्माई गई, जिसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थी। एक मानवीय दुर्दशा को इतनी दृढ़ता से चित्रित किया गया था कि हम अपने पढ़ने की धीमा कर देते हैं, स्थिति की जटिलता का स्वाद लेना चाहते हैं। इस कहानी में एक महिला की दुविधा का वर्णन किया गया है, जिसमें वो खुद को असाधारण प्यार को अस्वीकार करने की स्थिति में आ जाती हैं और साथ ही साथ एक व्यावसायिक मानसिकता को भी दर्शाती हैं। तो द डिप्लोमा में भूत को पता चलता है कि वो इतनी कठिन स्थिति में हैं कि उन्हें सत्य और असत्य के बीच की बारीक धारा पर उतनी ही